नहीं मेरा वैसे इस पर कोई वो रीडिंग नहीं है लेकिन मेरा एक ए, मैं हमेशा ये बात करता था कि हमारी सोसाइटी में ना कोई भी माइनॉरिटी हो बेशक वो रिलीजियस हो बेशक कम्युनिटी वाइज हो बेशक वो सेक्चुअल बेस पे हो हम लोगों को सिंगल आउट कर देते हैं एंड फिर सिंगल आउट करने के बाद हम उनको इतना कॉर्नर करते हैं कि वो जो है ना फिर रिटेलिएट करते हैं एग्जाम्पल बींग पहले हमारे मुल्क में जो है आई बी वेरी ओपन विद इट हमें आपको हमेशा देखा होगा उर्दू स्पीकिंग लोगों को या जितने लोग हिजरत करके आए थे महाजिर थे उनके साथ कराची में हुआ इसी तरह फिर डिफेंट माइनॉरिटी से आप देखें ये हुआ पहले वो एक अच्छे कॉस्ट पे इकट्ठे होते हैं फिर ऐसा ऐसा उस पावर को जब वो देखते हैं हमारे पास पावर आ गई है फिर उसको मेनिप्लेट करते हैं तो इसी तरह कांट दे वर्क किसी इज्जत के उसमें काम क्यों नहीं कर सकते और कलेबरेट क्यों नहीं कर सकते ये भी नहीं समझ आती कि हमारी कलेब्रेशन की स्पिरिट भी मार जाती है सर मैं ये तो कह रहा हूँ देखें हमने कई चीज़ों को कहीं पर रोक दिया है हमारे अगर हमारे मुल्क में अगर किसी रिलीजस आदमी के पास बड़ी गाड़ी हो तो लोग बातें करते हैं ठीक है तारिक जमील साहब की एक वीडियो आई थी कि वन एल एक्स फाइव सेवेंटी भाई क्या मसला है नॉट दैट मुझे उनको खास पसंद आया मेरी उनसे बहुत दोस्ती है मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है <laughs> मैं वैसे एक ऑब्जेक्टिवली बात करूँ मैं एक दफा आया एयरपोर्ट पर उतरा तो मैंने देखा मुफ्ती मुनीबू रहमान साहब जो है <laughs> मुफ्ती आजम पाकिस्तान है <laughs> आगे सिग्नस में गए मेरा दिल खुश हो गया मैंने कहा ये बात हुई ना मौलवी भी है तो उनके पास मतलब हमारे रिलीजन की वो कर रहे हैं ना हम चाहते हैं कि वो साइकिल पे रहे सड़क सर पे एक पटका बांधे और हर कुलों पे आके पाँच सौ रुपये लेके चला जाए चंदा नहीं लेना है एक तरह का uh, के मिसाल के तौर पे वो यूट्यूब uh, को भी अपनी नहीं करते क्योंकि अगर, अगर अगर उनकी वीडियो चल रही है और वो किसी मौजू के बारे में और उसके में कोई बेहयाई की एड आ जाए कोई खातून हो वो चाय बेच रही है किसी बेहियाई तरीके से कोई फोश चीज़ उसमें पाई जाए तो वो अपनी यूट्यूब को मोनेटाइज भी नहीं करते हैं मैं उनको सुनता होता हूँ मैं देखता होता हूँ तो अगर नहीं देखें नहीं नहीं हो सकता कि आप चीज सही चीज़ करें नहीं। करें या गलत क्लिक बेट के अंदर कोई खातून तो नहीं इस्तेमाल हो रही खातून ना करें मैं वो वैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपकी टेंशन पकड़ लें वो फोकस और अटेंशन आपकी खींचेंगे जिस भी तरीके से वो ऑरिटरी से खींच रहे हैं या वो थंबनेल से खींच रहे हैं वो क्लिक से खींच रहे हैं वो खींच रहे हैं लेकिन उस चीज के अंदर कोई फ्विश चीज नहीं पाई जाएगी ये हाँ, ये कम और और मोनिटाइज भी नहीं करते और, और और पहले जब वो उनकी बर्फ के कारखाने के ऊपर उनका दर्श होता था हाँ, हाँ, तो मोटरसाइकिल पे आते थे बहुत उनके आते दो मिलियन फॉलोअर्स हैं आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा यूट्यूबर uh, है जिसके दो मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो इस तरह के हालात में अपने आप को रखता है तो मुझे वो एडमेरेबल थोड़ा सा मेरा जो पर्सनल व्यू मैं बता दू मैंने किसी दिन यहाँ पे एक दिन स्टेकर पड़ा था किसी गाड़ी के पीछे और मैं एकदम मेरा ना मैं काम गया था सुन के आजकल जो एक दौड़ है ना फॉलोअर्स की लाइक्स की सब्सक्राइबर्स की जिसका मैं भी इस फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप भी हैं <laughs> हम देखते हैं कि हमारे कितने फॉलोअर हैं क्या हो गया तो और अगेन जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि जितना अगर आप खास तौर पे देखिए एक सुपरफिशियल लाइफ जो है काफी ज्यादा चलता है ताकि चिकन एंड एग प्रॉब्लम है लोग देखेंगे आप बड़े कूल लग रहे हैं और फॉलोअर आएंगे और कूल लगेंगे और आएंगे लेकिन मैं कहीं देखा था कि सरकार दो आलम जो है उनका कोई ट्विटर कोई फेसबुक कुछ नहीं था दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर आज तक है ना तो फॉलोइंग का ताल्लुक जो है ना वो आपकी पेरेंट्स से सादगी से नहीं है अगर आप जेन इंसान है ना तो आपके फॉलोअर होंगे जिनका आप नाम ले रहे हैं वो हो गए कोई मैं अपनी एग्जांपल दे दूं यार अगर फर्ज करें मैं हमेशा सोचता होता हूँ कि लोग हमें फॉलो करते हैं मिलते हैं कि जी हम आपके फैन हैं या हम आपको फॉलो करते हैं तो ये मतलब लेस देन कबूल शक्ल है? <laughs> नहीं सही बात है <laughs> आई बी वेरी ओपन <laughs> मुझे इसमें कोई वो नहीं है हमेशा कहता तो हूँ इंसान को सेल्फ एचुअलाइजेशन लेकिन अपने आप को कमतर तो नहीं करना चाहिए ना कमतर ही बट मैं कि जी मैं बड़ा कोई खूबसूरत आदमी हूँ मैं नहीं हूँ आप वो चीज नहीं बेच रहे बट मैं अपनी खूबसूरती नहीं बेच रहा ना हूँ मैं क्या मैं क्या बेच रहा हूँ मैं भाई आपको अपनी नॉलेज बता रहा हूँ एंड मैं उस बारे में कॉन्फिडेंट हूँ अलहमदुल्ल मैंने आज तक जो कॉन्टेंट बनाया है उसमें मैं अपने इस पर आज भी स्टैंड करता हूँ कि मैंने जिस चीज़ के बारे में जो चीज़ की टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज थी हुँ. अगर मैं किसी चीज की नेगेटिव बता रहा था मुझे लगता था वो नेगेटिव है पॉजिटिव बता रहा था मुझे लगता वो है वो पॉजिटिव है एंड टाइम इज द जैसे मैंने आप जाके हाँ. आज पाँच साल बाद कोई वो गाड़ी उठाएं

<laughs> तो मैं तो ये देखे मेरे आपको दो कलर डिफरेंट नजर आएंगे आ रहे नजर हाँ अच्छा वो आपने क्योंकि शर्ट पहनते हैं आप ये है तो आ, भाई मैं आपको बता रहा हूँ बारह घंटे आपने धूप में खड़े होकर शूट किया सुबह से छह बजे से, से लेके शाम सा छह बजे तक तो ये होता है और हमारे लिए रूटीन लाइफ है बट मैं ही बता रहा हूँ मैं अगर अपने खूबसूरती अपना गोरा रंग बेच रहा होता तो फिर मुझे फर्क पड़ता माय oh गॉड ये क्या हो गया yeah. भाई मैं जो रिव्यू बना रहा था बारह घंटे में मैंने चार वीडियो शूट की जो मैं कंटेंट बना रहा था मुझे उसके बारे में पता है mm. तो मैं वो कर लेता हूँ तो ये एक जो है ना हमारे यहाँ पे एक आर्टिफिशियलनेस जो है वो लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है और मैं ये कोशिश करता हूँ मैं कहीं भी जाऊँ कहीं भी बात कर रहा हूँ मैं हमेशा बात करता हूँ यार सीधी बात करो और लोगों को सब मत दिखाओ अगर हाँ। आपको नजर आ रहा है ना सामने दीवार है तो उसमें टक्कर ना मारो बताओ मैं आपके सामने भी बैठा हु अगर आप पूरा दिखा सकते हो तो मैंने पजामा पहना हुआ जो सौ रुपए का गाड़ी धो के आए हो अभी पसीनो पसीनी था सीधी बता <laughs> रहा हूं ऐसा ही। है। मैंने आगे अपनी वो जो है शक्ल तो नहीं आपको दिखानी अगर किसी को भी एक पॉडकास्ट सुन रहा है या कोई बात सुन रहा है उसको बात सुनने का शौक है अगर किसी को है नहीं सुनेगा चेंज कर लेगा दुनिया में इतनी ऑप्शंस हैं इतना तो मैं खूबसूरत हूँ नहीं कि मेरी शक्ल देख के वो दंग रह जाए तो मैं छह मेकअप मैग लाऊ आर्टिफिशियल वर्ड है रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली वो जिन स्टार्स की आप बात करें मेरी उनसे लड़ाई किसी से नहीं है बट उनका सौदा भी बिक रहा है ना उनके अंदर कंटेंट कोई नहीं है उनमें से अगर कोई अपने ठुमके मार रहा है तो वो ठुमके बेच रहा है किसी को अगर बॉडी अच्छी तो वो बॉडी बेच रहा है ऐसे ही है ना मतलब हाँ। और हम लोग एस्पायर करने की कोशिश करते हैं कि यार ये हमारे स्टार्स हैं ये हमारे आयकन और पाकिस्तान में है ही बड़े कम We don't believe in making stars. हम बड़े खुश होते हैं बाहर वाली गोरी चमड़ी देख के हाँ। जो बंदा एक दफा बाहर दुबई भी घूम के आ जाए ना और वो पाकिस्तान है। है? तो ये तीन महीने को में गंद है घर तो तो ये ये में जाओ तो होगा मेरा कच्चा थे बढ़ाई वाले हालत होती है और हमारे सामने आके वो अंग्रेजी शुरू हो जाते हैं टेढ़ी मेढ़ी और गलत अंग्रेजी बंदा कहता है मुझे नहीं आती ना देखें आई आई बी वेरी ऑनस्ट यू मैं पाकिस्तान के बेस्टिट्यूट में पढ़ा लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स भी गया पढ़ने के लिए वापस आया लंडन में भी रहा लम्स भी गया अमेरिका भी घुमा दुनिया में जाता रहा हूँ जहां जहां मैं कोशिश की जाता रहा वहाँ ऑब्वियसली पंजाबी तो नहीं बोलता हूँ लेकिन आई एम नॉट कम्फर्टेबल मेरी जबान नहीं जब ठीक है हाँ। तो मुझे अगर कभी भी कहीं बुलाते हैं यार आप टॉक कर लें फ्लाह कर दें वो पहले इंट्रोडक्शन देंगे बड़ा सा अंग्रेजी में पहली सवाल पूछता हूँ भैया कोई फॉरनर है नहीं तो भाई उर्दू चीज करो रीजन देखिए हम सोचते उर्दू में बिल्कुल ऐसा फिर हम उसको दिमाग के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं फिर कहीं जब ब्रेक लग जाती है यार नहीं होता आ तो मैंने क्यों भाई अपने मीम्स बनाने मैं उर्दू में बात कर लू कॉन्स्टिपेटेड शक्ल बना के आई आई एम एंड हैव स्पेंट ऑल माय लाइफ भाई क्या जरूरत है सिद्धि जी गाल करो <laughs> कंटेंट पे ऊपर जोर नहीं है पैकेजिंग पे बहुत जोर है पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा जोर है और, और असल में, में पूरी हमारी सोसाइटी में देख लो कोई गिफ्ट आएगा ना उसकी पैकिंग जो है ना दस हजार की अंदर सौ रुपए की चीज सौ रुपए की चीज तो भाई तू नौ हजार नौ सौ नौ मेरे हाँ फटा दे मैं खुद ले लांगा क्यों आप नहीं करना हैं बिल्कुल ऐसा ही बट ये, ये सुपरफिशियलिटी हमारी पूरी सोसाइटी में चल रही है और ये आपको फोर्स भी कर रहे जिस तरह आपको उन्होंने कहा ना एक रख लें स्टाइलिस्ट उसी तरह वो हर किसी के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर भी आता है और ये जो चैनल्स हैं जिनने ये इस तरह का कंटेंट बनाया है जो मसनू किस्म का कॉन्टेंट होता है जिस जो जुबान जो लोग बोलते नहीं है उस तरह के डायलॉग्स बोले जाते हैं जो मेकअप जिस तरह की शक्ल होती नहीं है इंसान की वो बनाई जाती है रोज सुबह सुबह उठ के एक्टर्स जो होते हैं वो अपनी आंखों के ऊपर अगर ये पैच आए हुए हैं तो वो वो लगा रहे होते हैं आइस लगा रहे होते हैं उसने उठना सीन क्या है

मैं को बहुत रिलीजियस आदमी नहीं हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के आपको तबलीग तब्लीग कि जी आप बुरख़ा पहने कपड़े कवर करें ना करें हर इज चीज़ टू एवरीवन ठीक है बट अगर आपको जिस तरह कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे एक वो तहरीक चल जाती है कि जी हमें जो है आपके राइट्स होने चाहिए बोलने के लिए आज़ादी होनी चाहिए बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए तो भाई आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगर आप तक रहे तो ठीक है अगर मैं एक जगह पे आ रहा हूँ और मैं आपको देख के अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ तो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच या मेरे फ्रीडम जो मेरी एक फ्रीडम है उसका क्या है समय ने मेरी बात को हुँ. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अगेन मैं कह रहा हूँ मैं बड़ा उस तो लिहाज से बड़ा इजी काम इजी को आदमी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे साथ कोई बैठा है अगर रेस्टोरेंट में उसने क्या पहना हुआ क्या नहीं पहना हुआ इट शुड बी एन अनकंफर्टेबल साइट फॉर मी इधर ठीक है ना और अगर आप फैशन को भी देख लें आप पूरी दुनिया में जाते हैं मैं भी जाता हूँ जितनी बेहूदगी और फहाशी का वर्ड मैं यूज़ करूंगा अनफॉर्चुनेटली

आप इधर टिकटॉक खोल लें हर बंदा डांस पे लगा है हर बंदा गालियों पे लगा है हर बंदा अब आज कल एक नहीं वो आगे बकवास जो हमारे पूरी सोसाइटी में पार्शल ये कहते ना पोलराइजेशन है तू फलाना है तो मैं फलाना हूँ तू इस पार्टी का तुम तो उस पार्टी का हूँ भाई कोई इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट ही नहीं है कसम है बाहर आप जाएँ ट्रैवल करते हैं गूगल टिकटॉक आपके लोकेशन उठाता है वहाँ से आपको दिखाते हैं वो आपको पच्चीस सौ चीज़ें सिखाएंगे कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है आपने ये चीज़ कैसे करनी है हम लोगों ने हर चीज़ में अन्नी डाली हुई है हाँ व्हाट्सएप की देख लें एग्जाम्पल

तो ये हमारे यहाँ पे मैं जनरली मुझे ना थोड़ा कभी कभी दुख होता है कि हम बहुत चीज़ों को ओवर कर देते हैं hmm. क्या वो फैशन हो अगर hmm. हम एक बैलेंस पे चलेंगे ना तो लोग ना दूसरे इफेक्ट होंगे ना आप hmm. इफेक्ट होंगे हमारी जो आजादी एक्सप्रेशन हम अपने लिए तो चाहते हैं hmm. दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने को तैयार नहीं है दूसरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना वो तो समझने कुफर है hmm. अगर आपको ब्राउन कलर पसंद है तो मैं कहूँगा यार ये तो आपने ब्लैक पहने ही नहीं तो आप तो बंदे ही नहीं है आप कहेंगे यार आप काला पहन के आ गए आप तो बंदे नहीं ब्राउन तो कलर होता है भाई क्यों हम दोनों को एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकते हाँ और नक्सीरें फूट रही होती हैं और चाय गर्म हो रही होती है और किसी को क्यों? किसी की राय बर्दाश्त नहीं हो रही होती पता नहीं क्या चक्कर है बेसिक बाके... चीज़ पता है जो मुझे लगता है लैक कर किसी भी चीज़ में रिलीजन में हो किसी में भी हो हम दूसरे को इज्जत नहीं देना चाहते हम दूसरों को तजलील करके बुलाते हैं ओए मोरू ओए ए सुनील जिनका आप नाम ले रहे हैं इंजीनियर साहब हो गए वो भी मैंने देखा मैं उनकी काफ़ी वीडियोस देखता हूँ कई जगह बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती हैं बहुत मुझे तो बट मुझे जो अगेन इतराज़ सिर्फ होता है कि बस आप मलूजे खाते रखें एक बंदे को बुलाएं तमीज़ से बुलाएं आप उसे डिसग्री करें करें ठीक है बिल्कुल करें सौ दफ़ा करें आपके पास अपना आगूमेंट है अपना आगोमेंट पेश करें वो अपना कर करें आप नहीं एग्री करते यू गो योर वे ही गो इज़ वे बट आप किसी को तजलील ना करें लोगों को नामों से ना पुकारें ये थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा लेकिन ये मेरे अंदर भी होगा मैं हाँ। को बड़ा कुछ मदब का तकाजा भी है ना कि अगर इंसान बैठा हुआ है और अगर कोई फर्क राय है तो उससे जानने की कम अज कम कोशिश करे कि उसकी राय यहाँ पे किस बुनियाद पे खड़ी हुई है हम तो जानना नहीं, नहीं चाहते ना हम तो कहना चाहते हैं मेरी राय है और तेरी गलत है, है, है जो वो राय आपकी राय राय नहीं है वो राय नहीं है

तो हमारी सोसाइटी में ना हमने बड़ा करेक्टिव ये सोचा हुआ बजाय इसके कि हम अपनी इसलाह करें ना मैं कि यार मैं ये मैं यार्ड स्टेक अपनी बेहतर करूँ मैं अपनी नहीं करूँगा यार मोरू जो है ना वो ये 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 बुराइयाँ करता है मेरे में ये तो नहीं है ना सो कम्पेटिव स्केल पर मैं अच्छा बनना चाहता हूँ हाँ। फलाना जो है वो ये तो करता है ना मैं ये करता हूँ ये नहीं कि मैं अपने आप को बेहतर करूँ तो जब हम अपनी यार्ड से दूसरे से शुरू करेंगे और अपने पे आके गलत कर खत्म कर देंगे क्योंकि मैं एबसोलूट हो गया हूँ मैंने अपने आप को परफेक्शन रखा हुआ है और आपको गलत रखा हुआ है बात तो तब होगी कि जब मैं अपने आप को मानूं कि हाँ मैं गलत हूं ठीक है और मुझे इसमें बेहतरी लानी तब तो मैं कर लूंगा टारगेट मेरा ये होगा कि मैंने यहां से यहां से हाँ। तो हूं आना है मेरा टारगेट ये जाऊंगा इसको नीचे दबाई जाओ इससे ऊपर चला जाऊंगा हाँ। क्या करूंगा तो ये मसला मसला है वाकई तो आप बताएं आजकल वैसे गाड़ी के मामले में इकोनॉमी के जो हालात हैं इससे कुछ बुरा असर तो नहीं हुआ मैंने देखा है कि प्राइसें चढ़ती जा रही हैं यार गाड़ी और डॉलर दोनों की अगर आप प्राइसेस देखें ना तो आप जितने लोगों को जानते हैं आप सबसे पूछें सारे तकरीरें करेंगे वो डॉलर महंगा हो गया लुट गए बर्बाद हो गए वो गाड़ी महंगी हो गई कंपनियों ने मार दिया गालियाँ दो इनको ये वो फिर हिपोक्रेसी हमारी सोसाइटी की हुँ. जो डॉलर पे चीख रहा होगा ना कि महंगा हो रहा है जिस दिन सस्ता होगा ना सबसे ज़्यादा वो रहेगा बिकॉज उसने अपने बटवे में हज़ार डॉलर संभाल के रखे होंगे और वो अपने नुकसान को देख रहा होगा यार मेरा नुकसान हो गया और ये जो है ना कॉम को नहीं देखेगा जब चीखे तकरीर करनी होगी वो जी लुट गए हुक्मरान आ गए ये हो गया इमरान खान खा गया नवाज शरीफ खा गया जरदारी खा गया सागडार खा गया असल में गेम होती है अपनी पॉकेट की जब ऊपर जा रही होगी ना तो अंदर से मीस ने खुश हो रहे होते हैं और ये मैंने देखा है आप अपने इर्द गिर्द व्हाट्सएप ग्रुपों में देख लें जिस दिन डॉलर नीचे जा रहा था सबको खुश होना चाहिए फौरन मौत पड़ जाती है नहीं ये आर्टिफिशियल है नहीं ये हो गया नहीं अभी परसों ऊपर चली जाएगी मेरे अबू फलाने के साथ बैठे थे उसने कहा है ये नीचे आके ऊपर जाएगा पंजाबी जी कह का है ठीक है अंदर से काने होते हैं तो उनको होता है कि यार ऊपर जाए क्योंकि उन्हें नुकसान हो रहा होता है सिमिलरली हाँ। गाड़ियों की मार्केट में भी मैं आपको बताऊं हमें आपने सबने सुना जी ऑन एक बुला है हाँ। और ये बड़ी गलत चीज है अपने इधर हाथ रख के हैं आपके दोस्तों में कोई ऑन पे गाड़ी नहीं बेचता पता पता नहीं शायद तो रिसर्च आगे, रिसर्च कर रहे। रहे। रहे हैं रहे। रहे हैं रिसर्च कर जो जाने वाला होगा ना हाँ। दो लेनी होगी एक बुक रही है एक अपनी लेनी है जो हाँ। बुक होगी वो बिक जाएगी तो अपनी गाड़ी सस्ती पड़ जाएगी वो आपको अच्छा रखना या तो सही है ऑन बला किस तरह है ऑन ब्ला बता रहा हूँ बड़ा रिलीजियस आदमी नहीं हूँ सिंपल सी बात है यार ये मास्क आए थे पानी की बोतलें आज मैं एक होल्डर्स हैं बेसिकली होल्डिंग कर लेता हूं कि मैंने और आपने पानी की सारी बोतलें उठा ली और कल हम चोलिस्तान रैली चले गए अब हम पानी की बोतल जितने की बेचेंगे लोग हमसे लेंगे फिर क्या होगा जो अमीर आदमी है वो उसका रेट और ऊपर लेके जाएगा वो ले सारी बोतलें उठा लेगा फिर वो आगे जाके बेचेगा तो ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के अंदर ये एक सिंपल सी नेचर शुरू हो जाएगी कि होर्डिंग होगी और चीज महंगी बिकेगी अब जहां तक इस्लाम का ताल्लुक है हमारे यहाँ पे कई लोग इसकी ट्रांसलेशन ये करते हैं कि जी इस्लाम में अजनास की होर्डिंग बनाए ओके खाने पीने की चीजों की इसकी नहीं है वो कहाँ लिखा है अजनास होल्डिंग लिखा है कि होल्डिंग मना क्योंकि होगा ये कि जितने उम्र है सोसाइटी के वो सारी चीजें अपने पास रख लेंगे और गरीबों को लूटेंगे हाँ। गाड़ियों में भी अब देखें पाकिस्तान में तीन लाख गाड़ी बन रही है कोविड के बाद आपकी मेरी इनकम नीचे गई ऊपर तो नहीं गई नहीं हर बंदे के साथ सोसाइटी में अगर आप ओवरऑल देख लें बारिंग अ फ्यू सबकी नीचे चली गई

रेवो जो है आप जो चलाते हैं आ. बिल्कुल लोगों को भूल जाता है लोगों की मेमरी ना बिल्कुल इतनी सी रैम है हमारे यहाँ पे उसी का फायदा हमारे सियासतदान उठाते हैं क्योंकि हमारी मेमरी इतनी सी है 2019 थाउजेंड नाइनटीन वो तो फर्स्ट ईयर के पाकिस्तान में गाड़ियां ऑन के बजाय ऑफ पे मिलती थी किस पे मिलती थी ऑफ पे।, एक तो हमारे यहाँ पे लोग ऑन का वर्ड गलत लिखते हैं ओ डब्ल्यू एन लिखते हैं ऑन भाई ऑन नहीं होता ऑन या ऑफ होता है द प्राइस के ऊपर ऑन मिल रहा है या ऑफ मिल रहा है तो तो ये ये मैं सोसाइटी आपकी मशहूर आदमी है आपके पॉडकास्ट ऑफ कभी नहीं सकता है ऑन नहीं होता गाड़ियों का ऑन होता <laughs> है ठीक है गलत है ठीक है टीवी रहा होता है ऑन <laughs> की बीमारी ऑन नहीं है ऑन है ठीक है ठीक <laughs> है और उसी के साथ ऑफ है अगर ओन की बीमारी ओडब्ल्यू एन है तो जब गाड़ी नीचे मिल रही तो उसको नहीं हो सकता ना तो ये ऑन और ऑफ है अब ऑफ कब मिलता है दुनिया में आप अगर जाएँ तो आपने सुना होगा कि जाओ जी गड्डी भी ले जाओ इंश्योरेंस भी ले जाओ और बस जाके ले जाओ वहाँ पे आपको डील्स मिलती हैं कि गाड़ी ले ली साथ आईपैड मिल गया गाड़ी ले ली साथ सर्विस मिल गई ये डिफरेंट तरीके होते हैं ऑफ़ देने के सही है अब हम मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ़ कैसे मिलता है पाकिस्तान में सुजुकी विटारा आई थी सोलह सतारह में अठत्तीस लाख रुपये की गाड़ी थी सुजुकी के जो डीलर है उनको आदत थी कि जी हमने मेरान बेचनी मेरान बेचनी हो बेची जानी वॉल्यूम की गेम टका खड़ी होगी फ्लोर पे वो आज नहीं बिकी कल नहीं बिकी उसने कह रही कैपिटलाइज करते हैं सस्ती बेच देते हैं तो वो गाड़ी ऑफ पे बिकती थी डीलर को गाड़ी दे दी उसके फ्लोर पे खड़ी है उसने वो पैंतीस लाख अठतीस लाख रुपए की गाड़ी है उसके कमीशन के साथ चले मैं जी लाख रुपए कमीशन सैतीस लाख रुपए उसके ब्लॉक थे उन्होंने कहा जी दफा करो इसी से भी आगे मैरान खरीदेंगे और इसको दस्ती भेज दो उसने आपको मुझे फोन किया यार पांच लाख लेनी है एक ने पांच बेची करते 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 वो आठ लाख ऑफ पे बिकना शुरू हुई सोरेंटो के साथ भी यही हुआ अभी अभी हमें आपको बताता हूँ सारी ऑफ होता कैसे आठ लाख पे आ आगे तो दैट वॉज द न्यू फेयर प्राइस ऑफ द कार ओके ठीक है बट वो गाड़ी क्योंकि चल नहीं रही थी मार्केट तो हाँ, फोर्सेस ने फोर्स किया दो हजार उन्नीस में जो रेवो आप चला रहे हैं जो फॉर्च्यूनर आप चला रहे हैं जो मार्केट में इस टाइम पे ऐसे बिक रहा है जैसे हॉट केक होता है आ, आज आप लें तो तीस लाख चालीस लाख पचास लाख ऑन है ठीक है मैंने अपने दोस्तों को गाड़ियां लेके थी दो में तो को पता है दो शौक है तो ये बुक करा दे बुक करा दी जब बुक करा दी गाड़ी आ गई तो मुझे मैं नाम नहीं लूँगा डीलरशिप का एक बंदे का फोन आया कि सर वहाँ आप अकाउंट नंबर दे दें मैं कहा वो किस लिए वो जी रिबेट आपको ट्रांसफर करना है मैं क्या किस चीज़ का रिबेट उन्होंने कहा जी वो आपने दोस्तों की गाड़ियाँ कराई थी तो वो रिबेट है वो यानी ऑफ की कीमत है तो वो आपको मैंने ट्रांसफर करनी है तो आप ले लें इंजॉय करें मैं कह कर, रहा मैं क्यों ले लूँ जिसकी है उसका ये नंबर उनको दे दूँ फिर इसी तरह मैंने अपने चचा के लिए गाड़ी खरीदी वो रे रेवो था उसमें हमें तकरीबन डेढ़ पौने दो लाख रुपए ऑफ़ पे मिली गाड़ी सो जो गाड़ी की लिस्ट प्राइस थी उससे नीचे मिलना शुरू हो गई थी बिकॉज डिमांड नहीं थी 2020 में जब कोविड आया तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जो है ना जो हम बात कर रहे थे कि कई लोगों को फायदा हो गया ऑटो इंडस्ट्री में एकदम क्योंकि पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया फैक्ट्रीज बंद हो गई सारा कुछ हो गया जब मार्केट दोबारा खुली बिफोर कोविड वही गाड़ी सिक्सटी वन की इनवाइस थी और साठ की मिलती थी हुँ. दो लाख नीचे थी हुँ. जो ही कोविड खत्म हुआ एक हफ्ते बाद किसी एक बंदे का मुझे फोन आया कि जी आपने वो रेवो बेचना मैंने कहा जी क्या मतलब वो हजार किलोमीटर चला है कोविड में तो चला भी नहीं मैं बेच के क्या हासिल करूंगा जी मेरे पास सत्तर लाख रुपए की ऑफर है साठ लाख रुपए की ली थिक्सटी टू की थी ये सत्तर की कैसे हो गई हाँ उन्होंने कहा जी चौहत्तर लाख रुपए आज मार्केट में ऑन का रेट मैं वो क्यों क्योंकि जी वो वो गाड़ियाँ अगर किसी को चाहिए प्रोजेक्ट है कोई जिन्हें माउंटेन्स पर जाना है और ये वो तो गाड़ी की प्रोडक्शन तो रुकी हुई थी अब जो हाजिर खड़ी है उसके ऊपर ऑन है तो वो ऐसी सप्लाई डिमांड डिस्टर्ब हुई कि ऑटोमेटिकली ब्लैसिंग डिस्गज थी और फिर फॉर दैट टाइम दोबारा ऑन शुरू हुआ और फिर ऐसे 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 और फॉर द रिसेंट मंथ्स जो है वो तो हाइस्ट पर गया हाँ ठीक है ऑटो इंडस्ट्री लेकिन कर दी है अब ये बात लोगों को समझानी पड़ेगी लोगों को ये लगता है कि जी ऑटो इंडस्ट्री को फायदा हुआ हाँ। मैं हमेशा समझाता हूँ अगर कोई भी इंडस्ट्री को समझता हूँ ना तो इंडस्ट्री का काम ये कि जितने नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे उतनी उनकी कॉस्ट नीचे जाएगी उनको फायदा होगा अब अगेन मैं अच्छा इसलिए हूँ कि मैं आपसे ज्यादा अच्छा हूँ ये बात है ना तो ऑटो इंडस्ट्री ने गाड़ी बुक की वो गाड़ी किसने बुक कराई मैंने आपने मेरे कजन ने आपके कजन ने मेरे दोस्तों ने आपके दोस्तों ने किसी ने तीन किसी ने दो किसी ने चार आई नो मतलब काफी जो लोग हैं वो कमेटी डालते थे वो गाड़ियां बुक करा के खातिन भी बेचती हैं घर oh, nice. <laughs> बैठे बैठे Game. हलाल इनकम आ जाती है <laughs> <गेम. थी? laughs> वो एक एकदा बात है, है कि नहीं मैं अगेन स्कॉलर मैं उस पर बात no. नहीं करता हाँ. ऑन मेरिट बात कर लेते हैं कि क्या आपको वो सही लगती है चीज़ के नहीं तो अगर आपको नहीं लगती और आप लोगों में कहते हैं गलत हो तो खुद भी नहीं करनी चाहिए तो जब वो दो दो, दो चार चार माइक्रो करते करते माइक्रो लेवल पे पूरी सोसाइटी में आता तो गाड़ियों की शॉर्टेज होगी ना समझ रहे हैं। तो इस तरह शॉर्टेज होती होगी अब हुआ क्या होर्डिंग कर ली अब हमारे यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ हर वीडियो में ये बात करता हूँ मैं लोगों को कहता था यार ऑन ना दो ऑन ना दो गाड़ी बुक करा के लो हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था चिकन एंड बुले आई यू कैन बी ए चिकन और यू कैन बी बुले आप मुझे अपने बिहेवियर से बताएंगे कि आप चिकन है कि बोलिए आप मुझे तड़ी लगाते हैं अगर मैं डिफाई करूंगा और पता लगे कि ये नुमोरू ने जो कहा था वो कर दिया फिर तो आप बोलिए बोल रहे हाँ। अगर आप चिकन आउट करके तो आप चिकन है सो ऑटो इंडस्ट्री और मार्केट ने ये प्रूव किया कि जो गाड़ी ऑन पे ले लेगा वो ठीक है वरना वो बढ़ जाएगा और ये हुआ है मेरे पास तो कई लोग आते हैं आपके कहने पर हमने जी किया पिकांटो बुक कराई सत्रह लाख रुपए की अब हम लेके आए तो ये तो पच्चीस की हो गई है आठ लाख रुपए सत्रह लाख रुपए की गाड़ी पे इज लाइक नाइनटी और एटी परसेंट Hmm. कहां से लाएगा गरीब आदमी oh, तो प्रूफ ये हुआ कि अगर वो उस दिन सत्रह लाख के ऊपर तीन लाख ऑन देकर बीस के, के लिए वो ठीक था और ये पिछले एक साल से चल रहा है मैं मान रहा हूं आपके सामने बैठ के मान uh. रहा हूं कि मैंने जिसको मशवरा दिया उसको नुकसान हुआ बट मैंने मशवरा दिया एक इंसानों वाली सोसाइटी के लिए एक ऐसे माशरे के लिए कि जहां पे लोग दूसरों को जो चीज बुरी कहते हैं अपने लिए बुरी समझते हैं बट हुआ हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली डॉलर इतनी हाइक कर जाता था कि मार्केट में तीन तीन इन की गाड़ियां फिर रही होती हैं यू विल बी सरप्राइज टू नो आज भी आज हम जब बैठे हैं ना

अब वही बात है जिस तरह डॉलर की बात थी गाड़ी पे सारे चीजें मारते बहुत बुरी कंपनियां जी रुल गई बर्बाद हो गए लुट के खा गए डॉलर अनप्रेसिडेंटली ऊपर गया और मेरा ख्याल है कभी हिस्ट्री में इतनी प्राइसेस नहीं बढ़ी जितनी लास्ट एक महीने में गई ठीक है आपसे भी मेरी बात हुई अच्छा अब जब नीचे आ गई गई नीचे आ इन्फ्लेशन गईन पास्ट फोर मंथ नीचे आ गई हैं आप भी खुश हैं मैं भी खुश वो क्यों नहीं खुश जो गालियां दे रहे हैं ये अभी आई का पैसा जो रिलीज हो रहा है इसकी वजह से नीचे आ रहा है ना डॉलर तो ये आ इस्ता इस्ता आ एक बंदे के साथ बैठे हुए थे उसने हाँ। बताया है हाँ। कि ये डॉलर अभी नीचे <laughs> आएगा और फिर दोबारा ऊपर जाएगा ये फिर दोबारा ऊपर जाएगा वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने दबाए हुए हैं और नीचे आ गए असली परी का धागा पट्टी तो भागा वाली बात है अभी फट गई है ना चल रहा है अभी फट गई है ना तो फट गई है तो अब उसके लिए कान कहते हैं कान कानून कान मार दिया उन्होंने बचानी तो के नहीं बिस्ती बचानी है तो वो कहेंगे नहीं नहीं अभी ऊपर जाएगा उसके चला जाए फिर बाद में इसका मीम बना कहेंगे झूठ बोल रहा था इसी तरह गाड़ियों में मैंने आज से एक दो हफ्ते पहले वीकली बनाया जब लोग गालियां देते रहे थे ना उनको गाड़ियों की प्राइस ऊपर जा रही है तो मैं उनको कहता था यार लॉजिकली एक बात को सोचो एक कंपनी है जिसका सामान इंडस्ट्री की अगर बात करें इंडस्ट्री का सामान आके पोर्ट पे खड़ा है स्टेट बैंक क्लियर नहीं करने दे रहा ठीक है

आ गया है ना हुँ. नीचे करो नहीं करोगे तो आई आयल बी ऑन हेड में तुम्हारे सर पे खड़ा रहूंगा और मेरे जब तक मेरे अंदर जाने है ना मैं खड़ा होकर बोलता रहूंगा जो मर्जी बोले सुनील साहब टोयोटा के दोस्त हैं होंडा के दोस्त हैं आई डोंट केयर आई डोंट केयर लेस मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आज भी लाइव पड़ी है कि डॉलर नीचे आया है अब प्राइस नीचे आनी चाहिए और जो कंपनी करेगी मैं उसका नाम सबसे पहले लूँगा और टोयोटा ने सबसे पहले किया हाँ मेरा रिश्तेदार तो नहीं टोयोटा रिश्तेदार तो मुझे फ्री में गाड़ी दे दे मेरे पास जितनी टोयोटा है उतनी होंडाएं भी हैं ठीक है पॉइंट ये कि भाई फिर उसने किया फिर उसके बाद सुजुकी ने किया फिर होंडा ने किया बिग थ्री ने जिनको लोग गाली थे उन्होंने किया कोरियन प्लेयर्स अब कहते हैं हम नहीं करेंगे अच्छा कह रहे हैं हैं वो कह रहे हैं, हमने पहले बढ़ाई ज्यादा नहीं थी चौदह परसेंट बढ़ाई थी हमने बढ़ाई थी उनकी मर्जी है ये किया है? किया, किया ने है ने 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 भी भी होंडे कहा कि तीस परसेंट बढ़ाई थी उन्होंने कम करके फोर्टीन पे कर दिया उनकी अपनी रीजन होते सही कह रहे हो चाइनीज किसी ने कर दिया कोई अभी भी सोच रहा है अगेन पॉइंट ये कि फ्री मार्केट जब होगी तो कंज्यूमर खुद ही डिसाइड कर लेगा चंगन ने बेसिकली नहीं किया अभी कर दिया उन्होंने लेकिन जितना इंक्रीज किया था उससे कम किया है बाकी और अभी आ रहे हैं इस तरह से टुक टुक करके आ, कर आ रहा है आ. मेरा पॉइंट ये मैं हमेशा कहता हूँ कि यार जो है ना मार्केट की फोर्सेस वो अपने आप को खुद ही परफेक्ट कर लेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री की बात शुरू हुई थी ऑन की और ऑफ की सारी बात शुरू हुई थी एवरी थिंग सेड एंड डन अल्लाह खैर करे अल्लाह खैर करें इन शाला अगर कोविड नाइन्टीन दोबारा नहीं ऊपर जाता और दुनिया को ये अकल आ जाती है कि लॉकडाउन से कुछ हासिल नहीं होगा हम इकोनॉमिक मौत मर जाएंगे अगर हम लॉकडाउन डालेंगे ठीक <laughs> है मैंने पहले दिन आपको कहा था लॉकडाउन आया था कि यार ये लॉकडाउन से इतने लोग नहीं मरेंगे जितने इकोनॉमिकली मर जाएंगे हाँ. आज तक उसके नतज आप और मैं भुगत रहे हैं दुनिया में फ्रेड्स बढ़ गए हैं दुनिया में डॉलर की जो शॉर्टेज कमोडिटीज की शॉर्टेज चिप शॉर्टेज इसलिए हुई कि जब सारा कुछ बंद हुआ और जब दोबारा खुला तो फिर के वर्ल्ड काम पे आ गया आप एक मैनुफैक्चर थे जो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते थे आपने कहा रहे, मेरे लिए चिप ज्यादा जरूरी है मैं चिप्स खरीदूंगा सारी आपने चिप लेना शुरू कर दी गाड़ी वालों को नहीं मिली अब जो चिप मैनुफैक्चर है उसको भी पता क्या इधर के उधर चले इसने तो प्लांट बंद कर दिया था लैपटॉप तो बिकते रहे थे हैंडल तो बिकते रहे मेरे लिए तो ये अच्छा कस्टमर मैं इसको दूंगा तो अगर सारा कुछ सही चलता रहे तो अगले साल ट्वेंटी में मैं और आप इसी अगस्त के महीने में इकट्ठे होंगे और मैं आपको गारंटी लिख के दे देता हूँ कि गाड़ियाँ ऑन नहीं ऑफ पे

शॉर्टेज दो, दो ही एक्सेस डिमांड थी होंडा yeah, और हाँ, तो उसमें क्या थी? So, कहां थी नहीं थी अब आएगी ना अब आएगी. पहले मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी गाड़ी चलाई जिसमें सीट बेल्ट नहीं आती थी जिसमें लेफ्ट साइड का शीशा नहीं आता था बॉस ठीक है मेहरान में लेफ्ट का शीशा नहीं आता था आप खुद लगाते थे नहीं आती थी आप खुद लगाते थे क्रेजी यार जमाना स्टार्टिंग फ्रॉम हो आज आप कहां पे खड़े हैं कि पाकिस्तान में इस साल जून के बाद कोई ऐसी गाड़ी नहीं बन सकती जिसमें एयर बैग ना हो मल्टीपल हाँ तो मैं ऐसे लोगों को मेमोरी टेस्ट कराता था कराते तो देखे एक टीवी चैनल पे आके कहना कि जी यहाँ पे नक्स गाड़ियां मिल रही हैं और मैं एक गाड़ी की वीडियो बनाऊं ठीक है वन शुड कॉल स्पीड अ स्पीड जो है जैसे कहना चाहिए तो मुझे लोग पूछा ना प्राइसिस नीचे नहीं है प्राइसिस को छोड़ दो क्वालिटी ऊपर आई है

मैंने ली उसमें मसले आना शुरू हुए हर एक को पता मसले हैं आए थे उसमें बहुत दिन मसले है। मैंने पार्क फोरम पे जाके लिखा ना तो कोई बोले ना मैंने खेल मैं अकेला पाक लू मुझे मसले लगे मेरी गाड़ी के बारे में बुराई कर दी दिल पे ठीक है म, मैंने जब लिखा ना तो एक आया दो आया रेन रेनड्रॉप एड एड, एड 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 तो पता लगा सबके साथ ये मसला था ठीक है तो फिर ये शुरू हुआ इसी तरह आप जब किसी गाड़ी की फ्यूल एवरेज की बात करते हैं ना प्रोटॉन सागा

जब ये आई प्रोटोन सागा फ्रांस आपके पास भी थी उन्होंने नई नहीं, नहीं ली थी उन्होंने वैगन से शूट की थी उनको बड़ी प्यारी लगती थी बैठ गया जी फ्यूल एवरेज की बात आई मैंने कहा जी ये गाड़ी दस की एवरेज देती क्यों नहीं जी ये तो फनी फलाने की एवरेज देती है ठीक है ट्राई कर लेते अगर देती है तो ठीक है मैं अपने इस वर्ड पर कायम हूँ आप बताएं आप कैसे मोड आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं इतने लीटर पर इतने किलोमीटर पहले तो वो पाड़ोस को उल्टा रहे थे Oh. कई गाड़ियां दे रही होती हैं हंड्रेड किलोमीटर पर टेन लीटर कई देती हैं टेन लीटर पर हंड्रेड किलोमीटर तो वो आपको कन्वर्जन करनी होती है पहली चीज दूसरी चीज जो आपकी स्क्रीन शो कर रही होती है वो इंस्टेंट एवरेज है ठीक है आप सिग्नल पे खड़े होते हैं वो जीरो नाइन्टी पे चली जाएगी इस तरह वो उसमें वेरिएशन होती है तो yeah. उसको कैलकुलेट करने का जो देसी तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ आप गाड़ी आई आपने उसको फुल कराया hmm. और आपने उसको यूज़ करना शुरू किया टैंक उसको मीटर रीडिंग को जीरो कर दिया माइलेज को फिर जब आप लेके गए तीन किलोमीटर चल गई जब आपने दोबारा फुल कराई कितने लीटर डाला और इतने चली डिवाइड किया और मैं एक दफा नहीं मैं गाड़ी को मैं बता रहा हूं मल्टीपल ट्रेन में मल्टीपल तरीके से चला के देखता हूं दबा के चलाई एक टैंकी एक टैंकी बहुत प्यार से चलाई एक एवरेज चलाई के रश के टाइम पे भी है शाम के टाइम पे सब भी का एवरेज। है एवरेज मेरे पास मैं अगर मुझे कोई बोलेगा ना कोई चैलेंज करे कंपनी के ये आप गलत बता रहे हैं तो मैंने तस्वीरें विद सबूत हर गाड़ी का रखा होता है जब तक उसका रिव्यू लाइव नहीं हो जाता पूरा नहीं होता मैं अपनी गैलरी से डिलीट नहीं करता तो मैं डेटा पूरा संभाल के रखता हूँ तो उस तरह उस सारी जो आपने फर्क फर्क तरीकों से चलाई उसका एंड में एवरेज निकलता है मैं बताता हूं कि कि अगर आप उसको प्यार से चलाएंगे तो ये देगी बुरी तरीके से अच्छा तो आपको, तो आपको दो पॉइंट मिल जाते हैं कि यार ए नहीं चलता कम चलता है या पीछे जगह कम है मैं बड़ा ओपन देखिये मैं क्यों झूठ बोलू अभी बात हो रही बोलना भी मुश्किल होता है क्योंकि आप बैठे हुए होते हैं जनरेशन के बारे में बारे में बात हो रही थी तो लोग बड़े नाराज़ कीजिए आपने ये क्यों बोला कि पुरानी जनरेशन आप ना बोलते तब भी काम चलता था मैं कह रहा है पागल हूँ उसको पता है दुनिया में मतलब आज अगर एक आठ साल का नौ साल का बच्चा बैठ के यूट्यूब पे खोल लेगा और वो कहेगा ये तो इसकी फोर्थ जनरेशन है पाकिस्तान में थर्ड आई है ये तो क्यों लेटेस्ट बोल रहे इसको हाँ मतलब कई चीज़ में सब्जेक्टिव हो सकता है एक गाड़ी है मैंने उनको बोला कि जी इसमें बहुत कम जगह है इसमें पीछे बच्चे नहीं बैठ सकते तो उन्होंने कहा आपके बच्चे बड़े होंगे ये ये रिव्यू बनाने का ना सिस्टम आई थिंक और क्योंकि यूट्यूब के ऊपर रिव्यूज़ भी होते हैं और स्पॉन्सर्ड वीडियोस भी होती हैं अब जिस तरह मिसाल के तौर पे आप जिस किया के इवेंट पे आए थे वहाँ पे आप रिव्यू बना रहे थे मैं स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहा था तो आई थिंक हमारे लिए बड़ा जरूरी एक वो तफरीक इस चीज के बीच में पैदा करनी है कि क्या स्पॉन्सर्ड वीडियो है और मेरे जैसे जो कॉन्टेंट क्रिएटर जो एक्सपर्ट नहीं है कभी मैं एक्सपर्ट रिव्यू नाम की वीडियो बना ही नहीं सकता क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं बन जाएंगे मतलब बन तो सकता हूँ वो तो उम्मीद है बड़े बने आप, ने, आपने ने आप ने मतलब, बड़े बने ने। आपके रिव्यूइंग प्रोसेस से सीख रहे हैं इंशाल्लाह बनेंगे नहीं वो तो सर को कौन से एक्सपर्ट है मुझे लगता है कि का आपका पूरा सिस्टम इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूँ क्योंकि बन रहा है लेट्स से इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड और पॉजिटिव बात देखिए मैं ये बड़ा क्लियर कर दूँ हाँ पहली चीज हमारे यहाँ पे ना लोगों को ये चीज लगती है कि जो बंदा आपको अब वही ना जिस की बात हो रही थी कि आपके लिए स्टैंडर्ड फर्क है अपने लिए फर्क है ठीक है आप अगर कंटेंट बना रहे हैं लोगों को सिखा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं तो अगर वो स्पॉन्सर्ड भी है एच से मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैं इस बात पे बड़ा क्लियर इधर आपके सामने बयान देके जा रहा हूँ मेरा कंटेंट स्पॉन्सर्ड हो या अनस्पॉन्सर्ड हो आप स्पॉन्सर मेरे चैनल को कर सकते हैं मेरी कंपनी को कर सकते हैं आप मेरे कॉन्टेंट को स्पॉन्सर नहीं कर सकते रिव्यू कभी स्पॉन्सर्ड नहीं हो सकता रिव्यू स्पॉन्सर करके मुझे ऑल्टर नहीं कर सकते ah. समझ रहे हैं मैं आपको समझाता सकते हैं रिव्यू करें प्लीज़ मैं आपको समझाता हूँ क्या हाँ मेरे सामने एक साहब बैठे थे मैं अगेन कंपनी का नाम नहीं लूंगा उन्होंने कहा जी आप रिव्यू करें और ये वो मैंने का मैंने कहा अच्छा तो आप ये एम साइन कर दें मैंने पढ़ा उसमें लिखा था कि विल गिव अ फेवरेबल फलाना मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता क्या मतलब मैंने कहा भाई इस पर फेवरेबल नहीं तो फिर हम स्पॉन्सर क्या कर रहे हैं मैंने उनको समझाया सादिल शादिलवाद मैं कैसे ड्रामा देखते हैं टी देखते हैं हाँ जी क्या देखा मेरे पास तुम हो मैं कहो मैं कह मेरे पास तो नहीं है खैर चलो <laughs> मेरे पास तुम हो पे चलते हैं मैंने कहा देखा ड्रामा कहते हैं हाँ आपने उसको स्पॉन्सर कर दिया हाँ जी कर दिया मैंने कहा तो क्या आप उसका जो है आखिरी सीन चेंज कर सकते हैं कि वो दानिश जो था वो मरे ना नहीं, नहीं। मैं कहा क्या आप ये सीन चेंज कर सकते हैं कि आयजा खान उस ड्रामे में जो उसके साथ भागी थी नान सदी के साथ वो ना भागे नहीं मैं कह तो मामा मेरा रिव्यू किस तरह चेंज करेगा

इसका कोई ना कोई एक्सपर्ट होगा होगा आप उसे कहते हैं यार ये मेरी चीज़ है इसके बारे में बताओ ठीक है दो चीज़ें हो सकती हैं मैं दिन की चार कप पीता हूँ मैं एक्सपर्ट दो चीज़ें हो सकती हैं ठीक है एक ये कि आपको कहेंगे ये दुनिया का सबसे अच्छा कप है यही कप पियेंगे नहीं तो आप मर जाएंगे इस कप में ये है इस कप में वो है हाँ ठीक है दूसरा है मैं उनसे कहूँगी भाई ये कप है मैं इसको इस्तेमाल करूँगा और मैं इसकी अच्छायाँ बुराइयाँ सब बताऊँगा समझ आती है हाँ वो कहनी सिर्फ अच्छा बतानी है हाँ फिर एक वो स्पॉन्सर्ड है एक वो कहता है जो आपका दिल करता है

तो आप इंटीग्रेशन नहीं बेच रहे आप बेसिकली basically... मैं इंटीग्रेशन बेचूंगा तो मैं पहले उसको इस्तेमाल करूंगा और उस इंटीग्रेशन के बारे में मुझे जो मेरी राय है मैं उसको रखने का हक रखता हूँ हाँ. आपको लेनी है इंटीग्रेशन देन यू जस्ट दैट आप चैनल स्पॉन्सर कर आप चैनल स्पॉन्सर करें आप कंटेंट को नहीं कर सकते तो चैनल हाँ. आप आज जियो पे जाते हैं किसी मेरे चैनल का नाम ले सकते हैं नहीं किसी भी चैनल पे जाते हैं आप उसकी एक व्यूअरशिप का हाँ. रेट है आप केबल वाले को कहते हैं यार ये एड चला दे मेरा क्या करता है वो

और मैं गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ लेकिन फोन के जिसके आप एक्सपर्ट नहीं उसका आपको स्पॉन्सर्ड करने में मसला होगा कि यार एक सेकंड सेकंड रिव्यू को दो सेकंड के लिए रोक रहे हैं हम इस फोन को बेचने लगे नहीं होगा ये फोन ये नहीं होगा लेकिन मैं उसके बारे में जो मेरी फाइंडिंग बताऊंगा देखें हाँ। माहिर क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देता हूं हाँ माहिर की बात है बिल्कुल ऐसा ही फोन जो है मैं आज तक जितने पावर फोन आए हैं जितने जिनका पावर लाइन कह लें या स्मार्टफोन कह लें फ्रॉम डे वन इस्तेमाल कर रहा करूं और मैं उनको मैं पावर यूजर मैं फोन की जान निकाल देता हूँ ठीक है तो मैं फोन का रिव्यू कर सकता हूं बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरे से अभी तक क्यों कोई नहीं करा रहा उनको पता है कि ये लिस्ड डॉग नहीं है आ... ये अनलिस्ड डॉग है इसको जब हम कहेंगे तो ये बुराइयां भी करेगा अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जितने भी लोग हैं ना बारिंग नन आ... जो जब हमारे साथ ही पढ़ के जाते हैं हमने ये सारा कुछ देखा हुआ यार हमारे क्लास फेलोज फेलो सारे मार्केटिंग के हेड भी बने हुए हैं बड़ी बड़ी कंपनी में डायरेक्टर्स भी हैं जब पढ़े होते हैं कुछ और करते हैं जब जाते हैं ना मार्केट में तो उनको चाहिए तारीफ सिर्फ तारीफ मार्केटिंग नहीं होती यार बिल्कुल ऐसा ही है सिंपल समझने की कोशिश करें अगर मैंने कोई बहुत बड़ा फोन खरीदा है आई फोन है उसमें ग्लिचेस आती है ना दुनिया में आती है अब मैं गाड़ियों के हमेशा एक सवाल पूछता हूँ कि जी इसमें कोई नॉन फॉल्ट है भाई मर्सिडीज में भी आती है हर गाड़ी में फॉल्ट है उससे क्या मर्सिडीज वाले मुझे गोली मार देंगे मतलब टेस्ला की भी कितनी ज्यादा होती थी क्यों मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इश्यूज हैं यहाँ पे सर हमारे यहाँ पे लोगों के अंदर ना ब्रांड और शख्सियत की डिफ्रेंशन नहीं है ब्रांड की क्या ईगो होती है ब्रांड की तो कोई होनी नहीं चाहिए हमारे यहाँ है क्योंकि ब्रांड को रिप्रेजेंट एक इंसान कर रहा है जो कि इगोइस्टिक है और वो एक थाली कमेंडक है hmm. उसको आप कहते रहेंगे सर आप बड़े अच्छे हैं तो आप जाके देख लें यार यू कैन सी इन द मार्केट कोई अन्ना नहीं होता यार हाँ. चंद लोग हैं हैंडपेड जो हर ब्रांड के अंदर जा रहे होते हैं जिस तरह सोशलाइट नहीं होते थे हमारे जमाने में हर संडे की अखबार में वही छह अखबार तीन और वही चार लौटे जिनकी तस्वीरें आनी है कपड़े बदल बदल के वो उसकी पार्टी में जा रहे थे वो उसकी पार्टी नहीं तो क्या वो बुलशेट दुनिया को नहीं नजर आती वही आठ चेहरे वही सोलह लोग ये जो सोशलाइट सर्कल है उसके अलावा दुनिया में लोग नहीं जाते या ब्रांड अगर जिन पे वो नहीं जाते वो ब्रांड नहीं चलते इसी तरह आप निकाल के देख ले, मैं आपको चैलेंज करता हूँ मैं तो बड़ा क्लियरली देख रहा होता हूँ कि आपको क्लियर नजर आ जाएगा वही आठ लोग हर जगह जा रहे हैं वही अर्चर करें भाई क्या बेवकूफ़ी है मैं बना सकता हूँ मैं खुद शुरू कर दूंगा बनाना तो क्या हो जाएगा वैसे ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि टेस्ला के मामले में जो है इलॉन मस्क खुद अपनी कंपनी के बारे में कह देगा ये शॉर्ट कमिंग है इलॉन मस्क की क्या कहते हैं अप्रोच टू वर्ड्स टेस्ला की ये कि उनके लॉन्चेस भी जो हो रहे थे गाड़ियों के उसके अंदर शीशे टूट जाते हैं तो वो फिर कहते हैं अच्छा है, ये सही करेंगे और फिर वो शेयर करना कि किस तरह उनने अपना फॉर्म किया कि ट्रेड सीक्रेट की तरह नहीं मुझे लगता है, वो ट्रीट कर रहे होते हैं लाइक उसकी तीन घंटे की एक पॉडकास्ट है लेक्स फ्रीडमेंट के साथ जिसके अंदर वो बता रहा है कि वो ऑटोमेटिक ड्राइविंग जो है उसकी न्यूरल नेटवर्क किस तरह ऑपरेट करता है किस तरह उसके सेंसर सारे की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके प्रोसेस करके उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इतना टर्न करना चाहिए ये इतना इस तरफ जाना चाहिए तो बात फिर वहीं पे आ जाएगी सॉरी बात फीडबैक लेके ही कंपनी अपने आप को इंप्रूव कर पाएगी मार्केटिंग परफेक्शन जो मार्केट परफेक्शन की बात करते हैं हमारे मुल्क में एक वर्ड है वो पंजाबी का ओलाह या अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन इज सिमिट्री यू नो मोर अबाउट समथिंग देन मी ठीक है तो लोग इन्फॉर्मेशन एज सिमिट्री पे पैसा कमाते हैं ठीक है दुनिया कहां पे जा रही है कि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करो अब टेस्ला की एग्जांपल वर्सेस अदर कार्स ले लें ले। अगर आपके पास कोई ऑडी को बी उसका पार्ट लेना है वो कहेंगे जी चेसिस नंबर बताएं फिर इसकी कैटलॉग डीलर के पास है बाहर से लेंगे तो ये हो जाएगा टेस्ला ने ओपन सोर्स रखने का यार जो लेना लाओ अच्छा ये भी किया जबरदस्त आपने कोई पार्ट लेना ना हाँ। उनकी पूरी कैटलॉग ओपन पड़ी है क्या बात है आप कहीं से बैठ के भी ऑर्डर कर सकते नो बकवास सीधी बात ये ऐसे होता रहे वैसे ऑटोमोबाइल नहीं होता उन्होंने क्लोज रखा मैं छुपा के रखूंगा कि मेरी गाड़ी है हमारे यहाँ पे तो मतलब हमारे मुल्क में भी कई सर्विस सेंटर है जिनपे अपनी गाड़ी की सर्विस सेंटर के अंदर नहीं जा सकते लोगों लड़ाई होंगी नहीं जी हम आपको नहीं जाने देंगे सर क्यों भाई किस चीज़ की छुपाया है।, है कि दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ हमारे मुल्क में जनरली ये है कि ज्ञान बांटना या किसी को इन्फॉर्मेशन देना या अगर आप लोगों को चीजें सिखा रहे होते हैं ना लोग कहते हैं कारोबार तबाह करना है टॉक अबाउट पाक व्हील्स ठीक है हमने क्या किया वी हैव द वे पीपल बाय एंड सेल है ये हमारा मोटो है कि हमने आपके लिए गाड़ी लेना बेचना आसान करना है ये मेरी कंपनी का मोटो है hmm. मैं जो भी चीज करूंगा आप मेरे से पूछना कि मोनेटाइजेशन के लिए ये क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे? सबसे पहला गोल है कि हम जो भी काम करेंगे उसके अंदर हमने ये हमारा यार्ड से किया कि क्या ये लोगों के गाड़ी लेने बेचने के स्टाइल को चेंज कर रही है इज इट हेल्पिंग पीपल इफ नॉट देन वी हैव नॉट मेड अ डिफरेंस अब आ जाते हैं कि किस तरह hmm. आप गाड़ी लेते थे पहले मालिक मुल्क से बाहर जा रहा है आर्मी अफसर के इस्तेमाल की हुई लेडी डॉक्टर चलाई हुई इन तीनों से तीन लाइनों में से किसी गाड़ी के बारे में कुछ इनफॉर्मेशन था।, नहीं, नहीं था।, था उसको कम किया पाकवीज ने आपको तस्वीरों की ऑप्शन दी माइलेज की ऑप्शन दी दूसरी चीज आप अखबार में कंपैरिज़न नहीं कर सकते थे एक ही क्लिक पर आपने देख लिया लाहौर कराची इस्लामाबाद में आठ गाड़ियां बिक्री हैं कौन क्या मांग रहा है अगे इनफॉर्मेशन ऐसी आ गई फिर वहां पे अखबार में एक बंदा था जो कहता था मेरी गाड़ी सोना है मैं करोड़ रुपये की दूंगा व्हील पे लगी हुई एक रोड वाली भी ए वाला भी नब्बे वाला भी सत्रह वाला भी यू नो बेंच मार्क के क्या है देन वी मेड टूल प्राइस कैलकुलेटर ऑन रोड प्राइस तमाम चीजों में हमने इन्फॉर्मेशन ए को खत्म किया जब इन्फॉर्मेशन ए खत्म हुई तो जो लोगों की दिहाड़ियाँ थी वो मारी गई जिनकी दिहाड़ियां मारी गई उनके लिए इससे बड़ा बुरा आदमी कोई नहीं है लोग एडाप्टेशन की इम्पोर्टेंस को नहीं भी सही तरह समझते ना कि आपकी मार्केट चेंज होती रहेगी नए किस्म के और वो हमारी वाइप आउट कर देती है। जिस तरह एक जमाने में टेलीफोन जब यूज करते थे तो लोग याद है वो निकालते थे तार और यूं डालते थे और फिर आपको मिला के देते थे खत्म हो गया दो किस्म के लोग आप फारक हो जाएंगे ठीक है मुझे आज दुनिया में हर फील्ड में कोई बंदा दिखा दें जो चेंज को रजिस्ट करके रह गया सही है अब इस फील्ड की मैं बात कर लेता हूँ हमारे दोस्त यार हैं सारे जितने लोग हैं देखें छोटी सी दुनिया है छोटी से लोग हैं सारे जानते हैं एक दूसरे को गाड़ियों की मार्केट को ले लें ठीक है डीलर्स हैं यूजर्स हैं एंड यूजर्स हैं कई ऐसे लोग हैं जो केमो डीलर हैं घर में गाड़ी बेचते हैं जिसको आप पावर सेल करते हैं सब हैं ठीक है अब अगर एक बंदा कह के जी पाकवीज ने या और क्लासिफाइड ने आके हमारी रोजी तबाह कर दी ऐसे सानू मारा ना इन्हें उसके बाद वो जिहाद करने लग जाए चलो पाक वील नहीं होगा ना पाक वील आ जाएगा कुछ तो आएगा ना दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन तो आई मैं नहीं होता कोई और होता आना था आई हैपन टू बी द पर्सन जिसके थ्रू ये हो गया अब आप उसको बुरा कह लें बुरा कह लें उससे क्या हो जाएगा आप ये देखें कि उस चेंज से आपको क्या फायदा है अगर आप एक पहले शोरूम चलाते थे ठीक है और वो सिर्फ जिस रोड पे था आप उसी रोड पे चलाते थे और मैं आपको ग्लोबल ले गया ना सिर्फ पाकिस्तान में आप पूरी दुनिया में अपनी गाड़ी दिखा सकते हैं तो मैं तो आपके लिए यूजर बेस बढ़ा रहा हूँ जो लोग अकलमंद हैं वो उसको यूज कर रहे हैं हमें देखें पाँचों के बराबर नहीं मुझे पता है हर बंदा मेरे से खुश नहीं है मुझे दुनिया में हर चीज़ की मिलती रहती है कभी कोई डीलर वाइस नोट भेज रहा होता है क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी तबाह करने आए हैं और इन्होंने हमारे बच्चों का रिस्क हटा दिया है और ये तबाह करने आए हैं वहाँ मुझे हज़ार डीलर और मिलता है जो कहते हैं जी मुझे आई हैव मेट अ पर्सन जो कहता है मैंने नौ सौ प्लस गाड़ियाँ पाक व्हील्स पर बेची हैं वाह मैं एक कंपनी में जॉब करता था वहाँ से मैंने एक गाड़ी मंगा के जब कुछ देखी और रिव्यू तो कारोबार हुआ इस तरह मुझे बड़े लोग मिलते हैं जो कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं बड़े लोग नाराज भी होते हैं बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप ए समिट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन खत्म करेंगे मार्केट परफेक्शन पे आएगी मैं नहीं करूंगा कोई और कर देगा यार हाँ तो मार्केट अपनी परफेक्शन पे आ जाएगी और जब परफेक्शन पे आएगी तो बेस्ट हो जाएगा और ये मतलब आहिस्ता आहिस्ता यही है कि अगर लोगों के जॉब्स जा भी रहे हैं किसी और नई चीज के आने की वजह से तो वो आपको एक तरह से इंसानी मुशक्कत को फ्री कर रहे हैं कि आप कोई और काम करें कोई क्रिएटिव काम आप चूज कोई भी डिजिटाइजेशन देख लेना अब हमारे मुल्क में जितने दा हैं क्यों दबा रहे हैं हमने सब ने करप्शन पर रोना है फिर पता कि जी आपका भाई क्या करता है हमारा भाई पी आई ए में है। अब पी आई ए की अपने भाई से पूछो कि वो काम करता है वो क्या करता है इस तरह हमारे एक जानने वाले हैं वो hmm. जी वो क्या करते हैं है? महकमा शुमारी में वो होती कब है भाई अभी कराची की बड़ी मसले में चल रही थी कब होती है पांच साल बाद हाँ हर पाँच साल बाद तो बाकी चार मतलब चार साल और बारह महीने के ग्यारह महीने क्या करते हैं कोई रिलइज़ नहीं करेगा आपका भाई क्या करता है जी वो फलाने कॉरपोरेशन में तो जहाँ जहां जहाँ जहां, जहां, जहां आपको नजर आता है कि वो जिसे कहते हैं ना एक्सेसिव बर्डन डला हुआ है जब उसको कम करने की बात होती है तो सड़कों पे आ जाती हैं एक छोटी सी एग्जांपल है एक्साइज के अंदर हमारे से रिलेटेड जो है एक्साइज के अंदर सारी उम्र से होती है गड्डी दी फाइल घूम गई बुक घूम गई गड्डी रोल गई

आप मेरी कितनी वीडियो उठा के देख लें मैंने जितनी भी नहीं मैंने हमेशा कहा कि एक्साइज के अंदर जो ये करप्शन है एक्साइज के अंदर जो ये रेड टेपेज में खत्म हो चाहिए और वो कैसे खत्म होगी वो डिजिटाइजेशन से हुई ये डिजिटाइजेशन शुरू की मुझे याद है आज से काफी ऐसा हो गया दो के अंदर ना शुरू हुई पंजाब में और नंबर प्लेट डिजिटल आने शुरू हुई फिर कंप्यूटर पे जाके आप उसका डाटा देख सकते थे ऐसे ऐसे डिजाइन टाइम लगा पहले उसमें गलतियां थी किसी गाड़ी का रंग सिल्वर से कूल रेड लिखा हुआ ये वो तो तब भी जो एजेंट थे ना वो नहीं जी ऐ चलना ही नहीं ऐ तो सिस्टम ही फेल है आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो मैं कह रहा हूँ ना बिल्ली को देख के आंखें बंद की थी नहीं, नहीं। जिसको मिलो मैं कहता था कैसे फेल है ठीक हो जाएगा पूरी दुनिया में चल रहा है आहिस्ता ऐसा ठीक हो जाएगा ठीक है सेवन टू थाउंड सेवन की बात है डिजिटल प्लेटें आना शुरू हुई अब 2021 में जाके पता ये लगा कि जी उन्होंने कहा कि ये फाइल और ये बकवास ट्रांसफ़र के लिए ख़त्म होगी हम बायोमेट्रिक पे जाएंगे बेहतरीन बात है मोरू साहब गाड़ी बेच रहे हैं सुनील साहब ले रहे हैं हमें कहीं एक्साइज़ के दफ्तर नहीं जाना इधर ही पंजाब की पंजाब पे ऐप खोलें मैं डेटा डालूंगा गाड़ी का लिखा आ जाएगा कि इस तैमूर सलाउद्दीन की गाड़ी है ये इसका आई कार्ड नंबर है मैं आपसे गाड़ी ले रहा कन्फर्म हो गया उधर ही ट्रांसफ़र अप्लाई करूँगा अपनी डिटेल डालूंगा ट्रांसफ़र की फ़ीस पे करूँगा आई हैव टू गो नो मेरे एड्रेस पर टी सी के कार्ड आ जाए

मैंने मोरू से गाड़ी लेनी थी आ, और मैंने लेने के बाद फिर उसको तीन महीने चार महीने साल बाद बेचना था आ, मैंने उसके आईडी डी कार्ड की कॉपी रख के ट्रांसफर लेटर साइन थे वो दस साल बाद भी चलती तो थी हो जाती ठीक है आ, अब मैं मोरू को फोन करूंगा महीने दो बाद के भजन गाड़ी ली थी दम आप कहेंगे चाले जब की थी कर दिया था ना आ, अब क्यों करूँ हाँ ठीक है बहुत को मेरे जैसा बीबा होगा वो कर देगा जाके जो मजीद होगा आपकी तरफ फोन नहीं उठाएगा तो फिर क्या करेंगे हिंड्रेस आ गई ना तो अब उसको डिजिटाइजेशन को फेल कैसे किए गए वो भी सुन लें हाँ। अब जिन लोगों का मकसद ये था कि डिजिटाइजेशन फेल हो और ओपन लेटर चलता रहे उन्होंने कहा नहीं जी इस तरह तो लोगों के नाम नुकसान हो जाएगा लोगों ने नॉन कस्टम गडिया चोरी दया गडियां दुनिया तो जान के डरावे तो आप गाड़ी को इंस्पेक्ट करें ठीक है अब डिजिटाइजेशन जो है उसकी तो एम सी बी सी हो गई ना अब वो कहते हैं कि जी आपने गाड़ी ली तैमूर सलाउद्दीन से सुनील मई ने ट्रांसफर अप्लाई की बीच में इंस्पेक्शन हो गई अब आपने गाड़ी को फिजिकली लेकर जाना है चेक कराने के लिए तो वो जो ये था वो फिर आ गया फिर आ गया बीच में एजेंट माफिया चेक कराना है इससे पहले एक और चेंज हुई थी बेहतरीन चेंज आप गाड़ी के टोकन पे करते थे ठीक है एक नॉर्म थी अगर आप भूल गए ना अगले साल आप जाएंगे वो कहेंगे जी आपके पिछले साल का जो फाइन है वो हमने माफ करा दिए आठ हज़ार टोकन था आठ हज़ार फाइन था तो हमने आधे पैसे दे के ना चार हजार आपको करा दिए तो आठ इस साल के टोकन पिछले साल के आठ हजार सोलह और चार हजार जो है ना आप समझ ले फीस दे दी है आपने बीस हज़ार दे दें वरना तीस हजार लगने थे ये बड़ा नोन फैक्ट था मार्केट में ना कि जी टोकन के जो फाइन है माफ़ कराना है जब ये डाक में और एक्साइज के दफ्तरों में लगते फिर डिजिटल आ गया अभी आप अपने गाड़ी का खोलें ऐप से निकालें फाइन जो है वो पाँच सौ छः सौ रुपये हज़ार रुपये मैक्सम होगा पिछले साल का और आप पे कर दें बेहतरीन सिस्टम है और इससे मैं आपको मैं एक्साइज के डी के दो इंटरव्यू ले चुका हूँ नंबर फिगर्स मौजूद हैं आप जाके चेक कर लें यूँ गया रेवेन्यू ऊपर ईजी है ना मैं पहले डाक खाने जाऊँ वहाँ जाकर टिकटें लूँ जमा कराऊँ फिर अगले साल पता लगता था कि जी वो डाक की टिकट तो जाली थी वो खा गया है हम दोबारा पे करो ठीक है जी दो तीन किस्म के टोकन थे एक डाक का टोकन <laughs> है एक फलाने का टोकन बकवास चलती रहती थी <laughs> डिजिटाइजेशन आई बेहतरीन मैं और रजा एक दिन जा रहे थे रैली के ऊपर रैली वाली गाड़ी थी हमने भी नोटिस कभी नहीं किया वो 2005 का पांच था <laughs> उसके टोकन शॉर्ट थे उन्होंने उधर रोका मौके पर दो लाख समथिंग थे उन्होंने कहा रजा से कहा पे कर देख ऑनलाइन दे लाइक टेकन शॉक ऑनलाइन किस तरह टोकन देने हमने उधर ही खड़े खड़े दो लाख समथिंग के रजा ने टोकन पे किया और हमने उसको दिखाई वो भी परेशान था बट वो दो लाख रुपए सरकार को यूं मिल गए अगर वो डिजिटाइजेशन ना होती एक एजेंट आता वो कहता सर दो लाख आपके टोकन है लाख रुपए फाइन है उसको माफ कराने का पचास हजार है तो ढाई लाख होगा हमने भी कहा था यार साल में एक दिन चलती है रैली की गाड़ी क्यों कराएफा दो डिजिटाइजेशन हेल्प अगर उसी को आप माइक्रो से माइक्रो पे ले लेजें कितना ज्यादा लोग करते थे तो वो होगी कामयाब है हुँ. इसी तरह ये भी कामयाब हो जाना था बट उसके अंदर रोडे अटटाए जा रहे हैं बट मैं फिर ये बता रहा हूँ जो भी रोडे अटका रहे हैं ना थोड़ी देर के रोडे कितने देर तक आप टेक्नोलॉजी को रोक लेंगे आज नहीं तो कल आज आपको पुप्पी का हम का पुत्र लगा होगा जिसने आपकी बात मान ली है कल को वो अकलमंद आएगा वो नहीं मानेगा अभी आप प्रेशर डलवा के करा लेंगे इंस्पेक्शन है से से है सेंस क्या बनती बट रास्ते में आप पूरा का पूरा जो हमारी ग्रोथ है उसको स्लो डाउन कर रहे हैं इसी चीज की वजह से ग्रोथ स्लो डाउन के चले उस पर भी आ जाते हैं ग्रोथ स्लो डाउन सबसे बड़ा नारा आपने पिछले तीन सालों में ऑटो इंडस्ट्री के बारे में क्या सुना क्या सुना ग्लोबली या पाकिस्तान में चले चिप शॉर्टेज है नहीं नहीं फ्यूचर गाड़ियों का क्या फ्यूचर गाड़ियों का आ, अच्छा उस पे आने लगे हैं फ्यूचर ईवी इज द फ्यूचर ठीक है रिन्यूएबल एनर्जी इज द फ्यूचर ठीक है सस्टेनेबल ग्रीन ग्रीन इज द इन थिंग यू हैव टू बी

गई रिंको आरिया वो पता नहीं किधर है वो कराची के अंदर मैंने सुना है दो तीन फिरती नजर आई है किसी को लेकिन उसकी रेंज का एक इशू मैंने सुना था आ रहा है और दूसरा आ, जो बैटरी मैं आपकी मैं भी इसमें ऐड करूंगा हुँ, हुँ, क्योंकि है भाई कह रहा रहा हूं हूं मैं मतलब, अच्छा, तो मैंने मैं तो तो आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के कैसे? अंदर आपने प्रोसेस देखें कि किस तरह की माइनिंग कर रहे हैं ये लोग और वो पे क्या बुरा असर कर रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी आर्ग्यूमेंट यही है ना कि ये जो ईवी है इसके अंदर से धुआं नहीं निकलता कार्बन फुटप्रिंट आपका कम होता है कार्बन फुटप्रिंट कम होता है तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ग्रीन हाउस गैस है जिससे माहौलियात ऐसा असर हो रहा है कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है तो वो चीज कम करने की तरफ आपकी पूरी जद्दोजहद चल रही है लेकिन आपकी सबसे पहली चीज ये है कि आपकी जो आ रही है दीवार में बिजली वो कोल जलाने से और तेल जलाने से ज्यादातर आ रही है और दूसरा ये कि, कि आपका बात कर दिया जो बैटरी है वो बनाने के लिए उसका कोबाल्ट का माइनिंग का प्रोसेस इतना बुरा है माहौल के लिए कि उससे ही आपका कार्बन फिटप्रिंट आ रहा है तो आप ले रहे हैं गाड़ी जिसके अंदर है मतलब बहुत जगहों पर फ्लॉड है जहां पे फ्लॉड नहीं है ना वहां पे लोग कहते हैं जी

पिछले से पिछले साल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी कोविड आया था कोविड से पहले अक्टूबर में मैं यहाँ लाहौर से कराची ट्रैवल कर रहा था उस दिन पॉलिसी आई और पता लगा कि जी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे ड्यूटी फ्री हो जाएगी वो टोल फ्री हो जाएंगी उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी अन्नी पा जाएगी उस अक्टूबर से अगला पूरा कोविड का साल और उससे अगले साल जून तक कोई पॉलिसी नहीं आई पिछले साल दो में इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो पाकिस्तान की सेकेंड ऑटो पॉलिसी आई पहली मियाँ साहब लेके आते टू थाउजेंड में और सरप्राइजिंगली और बड़ी अच्छी बात ये थी कि बजाय इसके होता ना कि एक नहीं डी तो मैं खींच दूंगा उन्होंने उस पॉलिसी को कंटिन्यू रखा रजाक दाऊद साहब ने बड़ा उस पर प्रेशर दे उन्होंने कहा कि नहीं जो पॉलिसी चल रही है हम उसको कायम रखेंगे इन एडिशन टू दैट हम जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए फैसिलिटेट करेंगे उससे पहले लाहौर में तो पहली बात इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आई कौन सी सिर्फ अशरफिया के लिए हाँ महंगी महंगी मैं नाम नहीं लूंगा गाड़ी का सबको पता है आठ सौ गरीब वो आ गई ठीक है <laughs> नहीं नहीं वो आ, वो तो बेचारी वो गरीब की, <laughs> की गाड़ी थी वो अच्छा, RD, वो गरीब की गाड़ी बता रहा आ एम जी दो सौ आई वो दो सौ भी, भी नहीं बिकी उस टाइम पे ठीक है आर्गुमेंट ये था कि अगर आप वही ऑडी पेट्रोल की मंगाते तो छह करोड़ की थी वो इलेक्ट्रिक थी तो मेरे जैसे और आपके जैसे लोगों ने अगर चूड़िया लेनी है तो वो चूड़िया लेने के लिए शॉर्टकट था और आप रिसर्च रन कर लें जिसकी भी वो गाड़ी उसकी फर्स्ट कार नहीं होगी सेकेंड थर्ड फोर्थ कार होगी इट्स वन एडिशनल टॉय ठीक है लॉन्ग नहीं सकते प्लस वो एक एडिशनल टॉय था आ, वो नहीं था उसी आर्गूमेंट को अगर आप फ्लिप कर लें एम जी पे चले जाए जी की जेड जो नॉन ई थी वो पैंतालीस लाख की थी और ई वी लाख की थी तो 20 लाख महंगी थी इलेक्ट्रिक तो लोगों ने कहा मैं क्यूँ लू हम तो सारी उम्र बीस हजार लाख का पेट्रोल नहीं पाना सी पेट्रोल लवागे वो नहीं चली सो प्रूफ क्या हुआ कि ये सिर्फ अशरफिया की चीज थी अगर आप उसको आम आवाम पे लेके आना चाहते थे और ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते थे पोल्यूशन कम करना चाहते थे तो इट हैड बीन अदर अदर वे वे राउंड हाँ। राउंड का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आम मैसेज आम लोग मोटरसाइकिल टू व्हीलर चलाते हैं या रिक्शे थ्री व्हीलर चलाते हैं तो हम वहां से स्टार्ट करते हैं हाँ। पहली बात बिल्कुल अब वहाँ स्टार्ट क्यों नहीं हो सकती वो भी बता देता हूँ हाँ। थोड़ी बहुत हमने भी की फैक्ट्री किया था वहां एक इलेक्ट्रिक रिक्शा था मैंने उसका रिव्यू किया अच्छा कितने का अच्छा मैंने मिस कर दी रिव्यू वो पाँच लाख साढ़े पांच लाख का था उस जमाने में बहुत महंगा आम रिक्शा ढाई लाख का था तीन लाख का डिफरेंशियल था तो जो बंदा गरीब आदमी रिक्शा ले रहा है वो तीन लाख एक्स्ट्रा नहीं कर सकता था वो कर नहीं सकता था और उसको कोई ऐसी भी भी नहीं नहीं दे सकते फाइनेंस भी नहीं कर सकते फाइनेंस कर मिलता ही नहीं है फाइनेंस नहीं कर सकते पाकिस्तान में जितने रिक्षे रिक्शे हैं वो इनफॉर्मल चैनल से फाइनेंस होते हैं तो इनफॉर्मल चैनल पे जितने ऑलरेडी रिक्शे हैं तीन मिलियन वो आप दो तीन लोगों के पास हैं लड़ से तीन लोग हैं चार लोग हैं उनके पास छह मिलियन रिश्ते हैं रिक्शे हैं रिश्ते बड़े हैं तो खैर तो वो उनकी होल्डिंग इतनी है अगर आज वो सारे को छोड़ के नया फ्लीट लेते हैं तो उनका वो अब सलीट होता है हमने नहीं लेना हाँ। कोई बैंक फाइनेंस नहीं करता सिमिलरली टू व्हीलर में मोटरसाइकिल जैसे रेवोल्यूशन आ सकती है उसमें भी कोई फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं और अभी एक नई टेक्नोलॉजी है प्राइस महंगी है ठीक है सो कम्पेरिजन ये है कि अगर एक सत्तर सीसी बाइक जो है वो आपको मिलती है लद से लाख रुपए तक की एवरेज चाइनीज ले लेंगे सत्तर अस्सी हज़ार की वैसे ले लेंगे तो एक लाख दस हज़ार की है उसी

तो अगर आपका एक पंप है जिसपे छह नोजलें लगी हुई हैं ठीक है अब उसका टर्न ओवर इसका टेबल नहीं होता तो रेस्टोरेंट का टर्न ओवर होता है कि आप जितना करेंगे उतना बेहतर है तो अगर आप पेट्रोल डालते हैं तो एक गाड़ी में तीन मिनट में चल देगा पेट्रोल एक घंटे में बीस कस्टमर दिन के बीस इंटू चौबीस और उनको मल्टीप्लाई कर ले सिक्सटी तो मल्टीपल नंबर का आप उसमें बना सकते हैं जब आप इलेक्ट्रिक पे जाते हैं तो एग्जैक्टली मल्टीप्लाई बाय टेन हो जाता है पैंतालीस मिनट में एक कस्टमर है दिन के मैक्सिमम भी चौबीस कस्टमर को डील करेंगे तीन हजार का चार्ज है कितने पैसे कमा लेंगे

फिर ऐसे ऐसे टाइम हुआ चेंज हुई सब नॉर्मलाइज चीज़ें होना शुरू हुई टोल अभी भी लिया जाता है टोकन अभी भी लिए जाते हैं कोई उसको पैंतीस सौ सी सी समझता है कोई उसको चार हज़ार सी सी समझता है कोई पच्चीस चल एक बहस अगेन हम बात करते हैं मार्केट में जितना चीज़ें आती हैं इस टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी लेकिन तीन महीने डाउन द रोड स्टेट बैंक ने कहा कि नहीं यार ये तो बहुत पैसे जा रहे हैं पाकिस्तान से बाहर इलेक्ट्रिक का यहाँ तो प्लांट ही कोई नहीं है अभी था बाहर से आ रही थी चिकन रैग है ना मतलब पहले लगे गई गाड़ियां आएंगी तो फिर लोग बनेंगे फिर ऐसा बनेगा तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत एक्स्ट्रा गाड़ियां आ रही हैं तो हम तो इसको बैन करने लगे हैं और उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी लगा दी चले तो फिर महंगी हो गई फिर महंगी हुई अब ये नई गवर्नमेंट आई इन्होंने टोटल बैन लगा दिया तो बंद हो गई तो एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे यहाँ पे तो कैसे चल वैसे जिसको जो माहौलियात के साथ जोड़ के बेचते हैं तो आपको लगता है आपको कोई कदर है माहौलियात की मतलब कि मैं तो जब कोई बड़ी गाड़ी चलाऊँ रेव करूँ पीछे धुआं जितना भी निकल रहा हूँ मुझे तो इंजन का मजा लेना है तो वो भी एक है कि गाड़ी की आवाज़ भी होती है जब आती है तो आप कहते हैं यार मज़दार है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल कर पी करके जा हैं यार एक चीज़ च्चार... है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हम वो उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे आपको जूते एयर कंडीशन शोरूम में मिलते हैं और खाना गंदे नाले के ऊपर मिलता है ठीक है तो हमारे जो है ना बड़े जिसे कहते हैं ना हिपोक्रेट किस्म के रूल्स हैं पूरी दुनिया में एक चीज है शीशा पीते हैं लोग ठीक है हम जाते हैं लंडन में भी ओपन पी रहे हैं अमेरिका में पी रहे हैं पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको ये पता है कि है और उसको पीने के ऊपर तीन साल की सजा है <laughs> बैन है ठीक है <laughs> और आपको बताइए बैन शुरू कैसे हुआ था कैसे हुआ था बैन शुरू ऐसे हुआ था कि जी लाहौर में शीशा कैफे शुरू हो गए और उसके बाद पता लगा कि जी हमारी जवान नस्लें वहाँ खराब हो रही खराब हो रही है अब वो जवान नस्लें कहाँ जा रही है छापे भी मारे थे अब पता कहाँ जा रही है जा रही है वो घर पर बैठ गई टिकटॉक कर रही है नहीं

मंचलों ने ये कर दिया मंचचलों ने वो कर दिया भाई आप क्रिकेटर को इज्जत देते हो हॉकी वाले को इज्जत देते हो ठीक है हमारे वहाँ भी बड़े अजीब सी बातें हैं अभी पहले दिनों पाकिस्तान कबड्डी का कुछ जीत के आई है ये वो भाई ना तो मेरा मुंह है और ना मेरे पास वो ओनरशिप होनी चाहिए कि मैं उसको ओन कर सकूँ बिकॉज मैंने उसके अंदर कोई हिस्सा नहीं डाला मैंने ना तो उसको कोई आज तक स्टेडियम बनाने में हेल्प की है ना मैंने कभी उसकी स्ट्रगल में उसकी हेल्प की है क्रेडिट लेने में आ आज वो पाकिस्तान ने ले लिया वो शर्म नहीं आती बे

ना तो कोई इवेंट खड़े कर सकते हैं ना हम अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं ना हम अपने पास टूर यार दुनिया में ये जो फादर्स डे वैलेंटाइन डे ये सारे बकवास किस तरह शुरू हुई थी किस तरह कैपिटलिस्ट सोसाइटी है ना आपने हाँ। अपनी जो है चीज़ों को बढ़ाना है रिटेल करनी है एक्सपो लगती हैं क्या होता है कि एक एक्टिविटी क्रिएट होगी पूरा दुबई एक्सपो 2020 के टू के पीछे खड़ा हुआ था कि जी होगी कितने साल पहले शुरू हो गया ओलंपिक्स होते हैं सारा कुछ होता है हमारे मुल्क में क्या होता है

म अच्छे हैं हमारे कुछ लोग हैं जो हमारी साइंस में बड़ा नाम भी ले चुके हैं जिनका नाम मैं लूंगा तो मेरे पे फतवा सर आ मेरा सवाल ये ये मैं नहीं कह रहा आई एम नॉट जिस, negative... जिस चीज को, को अप्रिशिएट करने वाली चीज है ना वो अप्रिशिएट भी नहीं मैं कर सकता सर कल मेरे पे फतवा आ जाएगा मैं ये कह रहा हूं आई एम नॉट अ नेगेटिव पर्सन मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पे कुछ है नहीं हमारे कुछ है बहुत हम उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हम उसको आगे लेकर नहीं आ सकते रीजन बताता हूं क्या वो बसंत की बात हो रही थी अब हम कहेंगे जी उससे इतने लोगों की डेथ हो गई ठीक है ये तो बात दुरुस्त है लेकिन नहीं दुरुस्त है ना हां

कैसे आती है पार होके आती है, आती है ना आती है। कितने बॉर्डर हैं आपके बायर एयर तो नहीं आ सकती होगी नहीं आ सकती सी भी नहीं आती होगी पानिस्तान बॉर्डर सील करना ना? हाँ. वो नहीं करना सड़कों पर आपको और मुझे रोक के कहना गाड़ी के कागज चेक रोके नॉन कस्टम्पनी क्यों भाई पॉइंट ये कि हम गलत जगह फोकस करते हैं सही है अब बसंत को अगर आपने इवेंट को बचाना था पूरी दुनिया में आपके पास एक इवेंट था जिससे टूरिज्म आ सकती थी आप रूल सेट कर सकते थे आप डे सेट कर सकते थे आप इलाका सेट कर सकते थे खुले मैदान में होगी इस दिन होगी हम रेगुलेट करेंगे लाइसेंस होगा फलाना बंदा बेच सकता है फलाना नहीं, तो नहीं बेच सकता बिल्कुल ठीक है कहाँ गई वो इंडस्ट्री एग्जीक्यूशन मैं आज लोग मैं आपको अभी इधर बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ अभी कह रहा हूँ पाकिस्तान से पतंग और डोर आज भी एक्सपोर्ट होती है यूएसए में आज जब ये सारा कुछ है तो हम क्यों नहीं उसको एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते मसला पता है जो पॉलिसी बनाते हैं ना उनका जो ये है ना वो एक लिमिटेड है वो कई जमाने में जर्मनी गए थे एक कोर्स करने के लिए तीन महीने और उन्होंने देखा था कि शाम छह बजे पूरी दुकानें बंद हो जाती हैं हम करेंगे हम करेंगे हम एनर्जी जया कर रहे हैं भाई आप अपने डे, डेमोग्राफिक्स देखें आप अपनी गर्मी को देखें दोपहर तीन से लेकर छह बजे तक दुबई पूरी मार्केट बंद होती है नासिर ना सिर्फ बंद होता है वो शाम को खुलता है जो उनकी होलसेल मार्केट है ना दुबई में सऊदीया में भी है वो दोपहर को बंद करते हैं ये सेविंग वाले आप लौ, की बात ना हमारे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि जी बिजली जाया होती है तो नौ बजे के बाद दुकानें बंद कर दें ठीक है मेरा सवाल ये कि और फिर वो जो अरस्तु है ना जो इनके मैं नाम नहीं लेना चाहता बट हमारे यहाँ पे बड़े अरस्तु हैं जिनके अंदर बहुत अकल है जो ये पॉलिसियाँ एम्पलीमेंट कराते हैं हम लोगों के कारोबार तबाह करने में और बंद करने में मास्टर हैं उनको तो तनख्वाह मिलनी है घर बैठे बैठे किसी का कारोबार तबाह हो रहा है चल रहा है मेरी जाने बला मैं तो डंडा चाटता है ना मैं तो अपनी चुदराट दिखाती कि मैं फलाना हूं और मैंने ये कर दी है ठीक है अब ये जो रूल आया था कि नौ बजे दुकानें बंद करें बड़े लोग मैंने देखे तकरीरें करने वाले बहुत अच्छी बात है बड़ी क्यों अच्छी बात है भाई जो बंदा रात नौ बजे के बाद काम करके अपने बच्चों के लिए रोजी कमाना चाहता है उसके खर्चे ज्यादा हैं उसने पिछले दो साल कोविड में अपनी कमर तोड़वाई है आप कौन है यार उसका कारोबार बंद करने वाले मेरा पर्सनल मर्जी है ना कि यार मैं एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स पे काम कर रहा हूँ मेरे खर्चे ज्यादा हैं मेरा लाइफ ज़्यादा है जो भी वजह

वो भी गो ग्रीन का जो नाराम लगा रहे वो नहीं करते बिजली बनानी है चले, सब छोड़ दें हाँ। एक सिंपल सोलूशन है मैं भौंक भौंक के थक गय भौंक भौंक के थक्यू लिटरली भौंक भौंक के थक किसी के कान पे जू नहीं रिंगती अपनी गली में देख लीजिएगा कहीं भी देख लें स्कूलों एक ही स्कूल में दस गाड़ियां जा रही होंगी एक मोहल्ले से सड़क के ऊपर भी रश

आप पेरेंट से जो आने जाने का खर्चा है वो उस बस में डिवाइड भी हो जाएगा कम हो जाएगा दूसरा अगर दस या बीस गाड़ियों की जगह एक बस या एक वैन होगी सड़क पर कंजेशन भी कम होगा उसका कम्यूट टाइम भी कम होगा एनर्जी बिल भी कम होगा वो नहीं करेंगे वो नहीं करना लोगों के दुकानें बंद करनी है छतों पर रेड सीवियां लगानी है वो नहीं बंद करनी क्या उस टाइम दिमाग काम नहीं करता क्यों नहीं करता आपका क्या सोच है सर मेरा मुझे लगता है कि एनर्जी का मसला बड़ा पेचीदा किस्म का मसला नहीं, है और इसके ये, ये पॉलिसी बनाने में आपको क्या क्या लगता है इस इस पॉलिसी पर अब मुझे इसके मनफी नतज भी देखने होंगे अगर कोई ऐसे बनते हैं कि नहीं बनते लेकिन मेरे ख्याल से कार तो पूरी में पता है लोगों को कि अगर एक गाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा लोगों को भर दें तो आपका एनर्जी का बिल भी कम हो रहा है आपका कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो रहा है और आपकी मेन पूरी आर्ग्यूमेंट है ही ये आप अपना एनर्जी कम नेगेटिव क्या होगा इसका नेगेटिव मुझे मान सकता हो जाएगा हाँ। तो लेडीज अलदा कर दें जेंट्स जेंट्सा कर दें ये कर ले सिक्योरिटी हो जाएगी सिक्योरिटी हैज़र्ड हो सकता है नहीं हो सकता है हाँ, चले। चले, हो हो सकता। हो सकता तो उसमें आप गार्ड एड कर दें वो तो गाड़ी पे भी हो सकता है बाई ऑल पॉसिबिलिटीज विच आई कैन थिंक मुझे तो कोई नेगेटिव नजर स्कूल के छुट्टी टाइम मुझे भी नहीं नजर आ रहा स्कूल के छुट्टी टाइम आप सड़क पर चढ़ जाएं तो अजाब हो जाता है किसी अगर गलत लेन में चले जाएं और स्कूल की छुट्टी हो रही हो यार अभी गर्मियों की छुट्टियां थी गर्मियों की छुट्टियाँ थी बच्चों के स्कूलों की तो आपने एक जगह से दूसरी को म्यूट करना है आप टाइम पे जा सकते हैं ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती कंजेशन कम होती है पोल्यूशन कम होती है फ्यूल बिल कम हो गया अब खुलेगा स्कूल सुबह छः वो बालदेन की दौड़े लगी होती हैं सुबह सात बजे उठो एक कोने से दूसरे कोने एक कोने से दूसरे कोने लगे हुए हैं सुबह से लेके शाम तक एक बच्चे को दस बजे को बारह छुट्टी को तीन <laughs> बजे आप एज अ नेशन क्यों नहीं ने डिसाइड कर सकते भाई हमारे स्कूल ये है अब एंड स्पोक मेथड बनाए इस एरिया से बस जा रही है इतने बजे आप सारों को ड्रॉप करें अभी भी बनाई हुई लोगों ने अपने किए एलएससी की बस आई होती है मैंने देखता हूँ लोग

ऐसा होना तो ऐसा चाहिए ना सारों का फायदा आप मेरी बात को समझ हाँ, चले बताएं मैं, मैं एक आदमी हूँ हमारे जो जिस तरह काम करते हैं कि जी जो सिस्टम है सरकार का जिसको आप बोलते हैं जी, ये हमारे कमिश्नर साहब है ये ऑर्डर दिया इन्होंने ये किया वो किया हर रोज हर रोज एक आता है वो अपना लगाता है दूसरा आता है वो अपना लगाता है उनको पता ही नहीं कि उन्होंने छह महीने रहना है आठ महीने रहना है साल रहना है वो तो कभी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा ही नहीं बिल्कुल

एक मैं कहता हूँ जब हमारे यहाँ पे पता है कि जी कोई वजी तीन साल से ज्यादा रहना ही नहीं है तो मैं भी आज अगर वजी बन जाऊंगा तो मैं पांच साल वाला प्लान ही नहीं शुरू करूंगा <laughs> और मैं यार दो साल जिंदगी है, अगला है, क्रेडिट जो है मुझे लुटो वो जो आएगा वो कहेगा कि यार मेरा अगली दफा अगर ये पांच साल के बाद दस साल बाद कंप्लीट होना है इसका क्रेडिट जो है ना दूसरा ले जाएगा ये नहीं हमारे मुल्क में तख्तियां तख्तियां खेलते हैं लोग हाँ ये ख्याल

तो ये मतलब मतलब ये कह रहा हूँ कि हमारे जो सिस्टम हम कह रहे थे ना कि कैसे ठीक होगा या कैसे आएगा जब तक हमारी सोच में हमारी उसमें लॉन्गेटिविटी नहीं आएगी हम शॉर्ट टर्म ऑप्टिक्स के ऊपर खेलते रहेंगे हम कहीं नहीं पहुँचेंगे दो तो दिन की डेंगी आता है जिस दिन डेंगी आता है उस दिन याद आ जाता है उससे बाद अगले साल दोबारा कोशिश क्यों नहीं करते कि पहले से सोच लें हमारी प्रोएक्टिव नहीं रिएक्टिव अप्रोच है हम हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं प्रोएक्टिव नहीं चलते कि हम पहले इसको देख लें कि ये चीज़ आ रही है पहले दीवार में बजते हैं फिर दीवार में गिरते हैं फिर ऊपर मलबा गिरता है फिर आके हमारे ऊपर और वो जो है ना ऑप्टिक्स वाले वो आके हमारे मलबे पर क्या काम किया हमने मलबे से दो नौजवान निकाल लिए ओ भाई वो मलबे के नीचे गए क्यों थे वहाँ पे तो मरे हुए थे तो मैं मौत आई भी थी वो मलबे में गए क्यों वो कुछ वाले पूछता तो आप मुझे बताएं कि अब कहा जा रहा है फिर इस तरह तो मतलब कोई पॉजिटिव नोट पे हम एंड नहीं कर पाएंगे मुझे नजर नहीं आ रहा कोई पॉजिटिव नोट अब यार पॉजिटिव नोट देखें जो पॉजिटिव नोट मुझे नजर आता है वो ये है कि एक चीज हमें ये लगता ना कि हमारे अंदर बड़ी पावर है हम ये कर लेंगे करेंगे अगर 400 साल बाद आई और इतनी देर हम यहाँ तो क्या? क्या? क्या मतलब मतलब अगर समझ लें आपको जिंदगी आप मुझे आईएमएफ का सबसे बड़ा मकरूज कौन है आज हम भी होंगे और कौन होगा अमरीका होगा ठीक है अच्छा अमरीका उसकी इज्जत नहीं है उनके लोगों की इज्जत नहीं है

रबने दिया ये आपका बड़ा पन है रब ने दिया नहीं, मेरा बड़ा पनता मैं मैं हूँ और मैं आपके आप बारे में भी सोचता हूँ कि आपसे बहुत बेहतर होंगे हर चीज में मैं आपको तीनों चीजों में चैलेंज करके दिखा सकता हूँ रोल रहे होंगे क्लिक कहाँ से होता है अल्लाह की तरफ से ठीक है तो ये तो बड़ी बेसिक सी बात है मैं आप जो मर्जी कोशिश कर लें हम तोड़ लें जमीन तोड़ लें जो नहीं है नसीब में वो नहीं मिलना हमारे एक दोस्त है जन्नत नसीब के उनकी डेथ होगी उन्होंने मुझे एक लाइन सिखाई थी वो मेरे आज तक फेसबुक के ऊपर टैग लाइन लिखी हुई है वक्त से पहले नहीं नसीब से ज्यादा नहीं ना कोई चीज़ आपको वक्त से पहले मिलेगी और ना नसीब से ज्यादा मिलेगी ठीक है हमारा है ऊपर मेहनत करना है ठीक है इस्लाम में भी कहा गया कि ऊँट बांध के फिर तबकल करो ये नहीं कि ऊँट छोड़ दो और कहो जी अल्लाह रोक लेगा ये नहीं है यही यही बात मैं सड़क के सेंटर में खड़ा होकर कह कि आज अगर मेरी जिंदगी लिखी तो मेरे ऊपर से कोई ये नहीं कहा गया ठीक है मेहनत करने को आगे है बिल्कुल सो मैसेज ये है पॉजिटिव मैसेज जिसमें मैं बात आपकी एंड करना चाहता हूँ एज अ सोसाइटी एज जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए मेरा मैसेज ये है कि दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है बिस्तर पे सोए हुए कोई कामयाबी नहीं मिलेगी ठीक है कोशिश करें मेहनत करें बाकी अल्लाह पे छोड़ दें ये तीन चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि आप मेहनत ज़रूर करें कोशिश भी करें तदबीर करें उसके बाद छोड़ दें उसके बाद अगर मैं ये सोचता रहा अगर मैं कभी कभी सोचू ना कि हम कहाँ जाएंगे हमारे मुल्क में क्या हो रहा है तो I don't see any हो गया नापिया ना, नहीं दे सकते थे लोगों को अजीब सी कोविड कुछ भी नहीं हो लगता था मर हो रहा मैं सही बता रहा पुरानी ठीक है ना करने देखता पॉइंट ये उस टाइम पे लगता था खत्म हो गई और मैं फिर आपसे को कर रहा हूँ इस बात पर मतलब कन्विंस करने की कोशिश करूँ कि आपको लगता है कि हमने अपनी किसी एफर्ट से उसको कंट्रोल कर लिया तो ऐसा नहीं है रबी हुआ अल्लाह की तरफ से होना था हमारा काम था मेहनत करके कोशिश करते हैं कि जी ठीक है शो, शो, जो हमें रूल बताए गए थे तो उनको फॉलो करें उनकी भी कोई आपस की बात है कोई अभी तो कोई मॉडल नहीं है कि वो सही थे कि गलत थे तो बाकी अल्लाह मियाँ का निज़ाम है चलता रहता है मैं और आप भी इसी मुल्क में हैं और भी बहुत से लोग हैं और बहुत हमारे मुल्क में अच्छी अच्छी मौजूद हैं

बच्चों के पीछे नहीं लिखे होते हैं। आ, हा, हा। वो कभी उनको करें तो मैं देखता don't don't ग्राज ग्राज है ना विद टाइम जो जनरल रूल बने होते हैं उनमें कुछ ना कुछ हकीकत होती है उनको फॉलो कर ले तो पूरी इंसानियत में ना कई अच्छाया बुराया जो भी बनी हुई है अगर आप मजहब को निकालने पाए तो आपको यहाँ से पता होता है कि आप ये अच्छाई कर रहे हैं ये वो कर रहे हैं

ये तो बॉबी दियोल के भाई वाला नाम है <laughs> तो फिर मैंने कहा कि अच्छा ये आ, सुनील है नाम लेकिन कराची में रह चुका हूँ कराची में आपको हर किस्म का नाम सुनने को मिलता है ट्रू शाहरुख ट्रू मेटर मेरा एक टे दोस्त शाहरुख भी है शाहरुख तो बहुत है तो शाहरुख तो मुसलमान है ना शाहरुख मुसलमान है हाँ, हाँ शाहरुख खान भी मुसलमान शाहरुख खान मुसलमान है लेकिन मुझे बस सम रीजन क्योंकि बॉलीवुड के थ्रू आया था तो मैंने कहा शायद ये मुसलमान नाम नहीं है शाहरुख मैंने पहली दफ़ा सुना फिर उसके अलावा आप तो बहुत हैं अजय देवा एक मेरा दोस्त है उसका नाम है Uh, वहां पे लेनी मैं उसको लेनी कहता um, हूँ में तो मुझे नहीं लगा कुछ ऐसा लेकिन आपको लोग तंग करते हैं इस बात पे हाँ मुझे पहले दिन मुसलमान नाम है या नहीं है असल में yeah, sorry, अच्छा नाम मुझे इस बारे में क्लैरिटी नहीं अगेन मैंने आपको बताया बिलीफ ये है कि देखें मैं नाम बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं बहुत अच्छे लोगों के बारे बट उनके काम अच्छे नहीं होते सही है सो so, मैं अच्छा नाम रख के बुरे काम करूँ उससे बेहतर है कि मेरा नाम अगर बुरा भी है ना मैं तो मैं उसको मुझे नहीं समझ आता मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्या होता बुरा भी है तो मैं काम अच्छे कर करूं तो मैं उस तरह कोशिश करता हूँ पहली बात दूसरी बात मुझे अब, अब, अब वही बात है कि जब से मैं पैदा हूँ मेरे साथ ही नाम है तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को पता नहीं कैसे लगता होगा नाम का मतलब नहीं लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ कि लोगों को कैसा लगता है सुनील जब वो नाम सुनते हैं ना तो अब मेरे दिमाग में और ज्यादातर मेरे दोस्तों के दिमाग में आपका ही आप ही आते हैं सिंगुलर तो आपकी वजह से और आपके वजूद की वजह से और आपके काम की वजह से वो एक पॉजिटिव नाम बन गया अगर नेगेटिव था कुछ इसमें ये तो कॉम्प्लीमेंट है आपका मेरे लिए बहुत अच्छी बात है लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि रिलीजन के बारे में लोग बड़े परेशान रहते तो अलहमदिल्ला मुसलमान हूँ भाई काफी <laughs> लोगों का सवाल आता पहले एक बंदा आया मेरे पास है पड़ गया हाँ एक बंदा आया उसने मुझे बोला कि जी आप ये करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं ये भी करते हैं ये भी करते हैं हमें ये भी पता है तो आप मुसलमान होते तो कितनी अच्छी बात <laughs> तो यहां मुझे लगा कि वैसे ये ना इंसान मतलब जिस कहते हैं ना आप मुझे रिलीजन का इतना पता है कि आपकी जो पेरेंट्स है उससे पता लगना चाहिए कि आप क्या